बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एंड हाय। मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए हाजिर हुए हैं। ये शुरुआत है हमारी जिंदगी की एक नई, हर रात की तरह इस रात को भी हमारे वजूद में उतार दिया गया है सदकाए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगाज उसी दुरूद से करते हैं जिसमें हमारी निजात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज जाहिर है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। आज हम आप लोगों के लिए वीकली हॉरोस्कोप लेकर आए हैं। बगैर तमहीद बांधे कोई लंबी छोड़ी बात किए हम आपको वीकली हॉरोस्कोप का ये थोड़ा सा फ्लेवर देना चाहेंगे। ये हफ्ता बड़ा ज़रूरी है। वैसे तो माह साल जो आते हैं सभी हमारी ज़िंदगियों के लिए बड़े ज़रूरी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत होती है उस ज़रूरी चीज़ की जो हमारे पास नहीं होती। तो अल्लाह से हम राबते करते हैं, मज़हबी त्यौहार आते रहते हैं। रमज़ान परवरदिगार का बड़ा मुक़दस महीना है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं मुझसे कि हम तो हर इबादत कर रहे हैं रमज़ान में, हमारे वज़ाइफ भी कुछ ज़्यादा हो गए हैं, हम तो रमज़ान में रोज़े और तरावियाँ और हर चीज़ का बाकायदगी से एहतमाम कर रहे हैं और उसके बावजूद हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, ऐसा क्या मांग लिया हमने। तो जिस चीज़ की समझ ना हो उसके लिए ये लफ्ज़ बिल्कुल नहीं है। देखो, आप लोगों को तनख्वाह मिलती है, जितने भी लोग दुनिया में आए हैं वो पगार पे हैं, सैलरी पे हैं। तो जो सैलरी पे होते हैं वो कौन होते हैं? एम्प्लॉय होता है, उसके एम्प्लॉय, जिसे उर्दू में आप मुलाजमत पेशा अफराद कहते हो या मुलाजिम कहते हो, और बहुत खुली जबान में कहा जाए तो नौकर चाकर कहते हो। तो आप कौन है? उसके बंदे हैं, नौकर हैं, और उसके नौकर तो बाद में है, पहले तो नौकर है मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर के, और वहां की गदाई मिल जाए तो नौकर कहना बहुत बड़ी बात है। यानी वो गुलाम जो जनाबे बिलाले हबशी थे या जनाबे अम्मार यासिर रहे हैं या जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां नबी पाक के साथ जुड़ी हैं या इमाम आली मकाम के साथ करबला के उस मैदान में थी, वहां पे अपने आप के साथ मालिक और गुलाम का लफ्ज भी जोड़ देना बहुत बड़ी अता है। तो अल्लाह के तो हम गुलाम हैं, तो जो गुलाम होते हैं उनको इनाम मिलता है, उनको तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह किस सूरत में मिल रही है? अगर अल्लाह के गुलाम हो तो ये जो सांस आ रही है ना आए तो क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। ऑक्सीजन की वैल्यू आपको पता नहीं है, जब आप बड़े किसी महाज पे जाओगे तो पता चलेगा, जहाज में या किसी ऐसी जगह जो जलजले से इमारतें टूट जाती हैं और लोग मलबे तले दबे होते हैं, ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही होती, तो उस वक्त वो सांस दुनिया की हर चीज़ अगर उस शख्स के पास है तो वो कुर्बान करने के लिए तैयार होगा कि परवरदिगार सब ले ले, पर अभी सांसें दे दे, मुझे इसकी ज़रूरत है। प्यासे को एक कटोरा ठंडा पानी चाहिए, वो उसकी ज़रूरत है, वो अपना सब कुछ दे सकता है क्योंकि उस वक्त जान पे बनी है। दिल की धड़कनें चल रही हैं, सेहतें ठीक हैं, चल फिर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी दुनिया में एक सर्वे हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि एक इंसान जिसे हम 2 कौड़ी या 2 पैसे का समझते हैं उसकी कीमत क्या है। अमेरिका में एक साहब हैं, बहुत अमीर हैं, ट्रिलियंस डॉलर के मालिक हैं, पूरी दुनिया में उनके रिजॉर्ट्स हैं। एक बेटा है उनका, उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई। अब वो किडनी किसी से मैच नहीं कर रही, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं अपनी बेटी की एक किडनी के लिए कुछ भी दूंगा। तो बहुत सारे जो डोनर्स हैं जिनको पैसे की तलब थी वो आए, उनमें से एक जो इन्होंने कहा कि $50,000 तक हम अपने बेटे की किडनी के लिए किसी को भी पे कर देंगे। $50,000 एक अच्छी खासी रकम है, लेकिन इन्होंने दिल में कुछ और सोचा हुआ था। तो वो जो बेटा है जिसके लिए एक खातून का गुर्दा मैच कर गया, बहुत ही गरीब थी और वो होमलेस थी, पर ड्रगी नहीं थी। जो होमलेस होते हैं कि खामिन ने घर से निकाल दिया, अभी शादी हुई और वो कुछ भी नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, उस तरह की।
तो उसने कहा मैंने अपना गुर्दा देना है, और वो डॉक्टर्स ने कहा कि जी टाइम बड़ा कम है, जितना जल्दी हो सके आप ऑपरेट करें, बट $50,000 मुझे चाहिए, मेरी नीड है। उसने कहा डन, मैं तुम्हें लिख के देने को तैयार हूँ। जाहिर है अमीर आदमी, वो कौन धोखा करेगा। ऑपरेशन हो गया, बेटी की जिंदगी बच गई, एक गुर्दा उधर चला गया, एक गुर्दा इधर आ गया, एक किडनी पे सर्वाइव कर रही खातून। उसने $1 million का चेक लिख के दिया उस खातून को, और उसने कहा कि तुम्हें एक घर भी दे रहा हूँ मैं, तुम्हें अब एक मुलाजमत भी दे रहा हूँ, एक अच्छी मुलाजमत, क्योंकि तुमने जान बचाई है, $1 million, $500,000 का घर और एक अच्छी जॉब, ये उसकी ज़िंदगी। यानी एक गुर्दे की कीमत अब आप कर लो, $1 million कितने बनते हैं, या ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 30 या 28 करोड़ के करीब बन जाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, अगर आप इसकी बात करोगे तो थोड़े ज़्यादा ही हो जाएंगे, और घर भर मिला लो तो 40 करोड़ एक गुर्दे की कीमत है। जो 2% का इंसान हम अपने आप को समझते हैं कि वो हमारी ही दुआएं क्यों नहीं कबूल कर रहा, हम तो तरावियां भी पढ़ रहे हैं, हम तो रोजे भी रख रहे हैं, उस पे एहसान कर रहे हैं जिसके एक गुर्दे की कीमत 40 से 50 करोड़ भी मिल सकती है दुनिया में। अपने मुल्कों में 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ तो ऐसे भी गुर्दे दे रहे होते हैं लोग। फ्रांस में एक खातून है, निकोल नाम है उसका, और वो जूतों की एक फैक्ट्री है जिसकी वो ऑनर है, और जूते रिसाइकल चीज़ों से भी बनते हैं, और उसमें कुछ चमड़ा भी इस्तेमाल होता है, और वो बहुत अमीर है। उसकी जो बेटी है वो एक कार के हादसे में अपनी फ्रेंड के साथ जा रही है, और दोनों आंखें गवा बैठी हैं, बेटी जवान है। उसने कहा कि मेरी बेटी को आइस चाहिए। उसने अखबार में एडवर्ट तो दिया नहीं, जाहिर है एक अमीर आदमी के लिए मुआशरा और मजाक बनाता है। तो जो डोनर्स हैं डॉक्टर्स ने उनके लिए होता है, किसी अस्पताल में कोई है, आंखें कौन देगा भाई, मतलब एक बंदा जिसकी अपनी आंखें हैं वो कौन देगा। ज्यादातर ये होता है कि कोई डोनेट कर देता है, और वो भी 100 में से कोई एक बंदा होगा, 1000 में से कोई एक बंदा होगा जो कहता है यार मेरे मरने के बाद मेरी आंखें ले लो। मैं उनमें से एक आदमी हूँ जिसने अपनी बॉडी का एक एक हिस्सा डोनेट किया हुआ, यानी मेरी स्किन, मेरी आईज, मेरा दिल, मेरी किडनीज, मेरी हर चीज़, मेरी बोन्स, बोन मैरोज, बस थोड़ा सा एक हिस्सा दे दो जो कब्र में दफनाना है, बाकी सब मेरी आईडी के ऊपर डोनर लिखा हुआ है। US गवर्नमेंट में वो पूरे का पूरा एक फॉर्म भरता है जिसमें आप अपने आप को दान कर देते हो कि मेरे मरने के बाद आप ले लो मुझे जो चाहिए। तो जिंदगी में किसी को अपना आप दे देना ये बड़ा मुश्किल है। तो वो जो खातून है उसको एक लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हो गई, और उसने मतलब उसकी वालदा ने कहा कि मेरी बेटी की आंखें आप ले लो इसके बदले में, मेरे पास तो ये बेटी थी जो कमा के देती थी, मेरी अपनी बिना इतनी नहीं है तो आपकी बेटी के लिए। तो उन्होंने तकरीबन एक आंख की जो कीमत है वो 3 लाख यूरो लगाई, यानी उस खातून ने जिसने खरीदी, दूसरी ने नहीं लगाए, वो तो थोड़े से पैसों में मान जाती, तो 6 लाख यूरो यानी $500,000 से ज़्यादा यूरोस उसके हिस्से में आए सिर्फ 2 आंखों की कीमत। इसी तरह हमारी बोन मैरो है, हमारी रगें हैं, हमारा हार्ट है, हमारी स्किन है, 1000 चीज़ें हैं, यानी आप करोड़पति हो हर वजूद, उसके बावजूद उस मालिक की नाशुक्री जब करते हैं तो बहुत भगाता है, वो कहता है इसको कदर ही नहीं, ये जो तुम सोते हो ये आधी मौत है। वो ये कह रहा है जो सो जाते हैं ना, ये तुम नींद में होते हो तो पता ही नहीं सुबह कब हुई, इतने घंटे गुजर गए, ये आधी मौत है। इसी तरह मौत आनी है और फिर मैं जिंदा करता हूं, तो ये बड़ी नेमत है। दवाइयां खा खा के भी लोग सो रहे होते हैं, नींद भी नेमत है। तो सांस के आने जाने से रवानी से लेके जो हम अपने हाथ से खा रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोज आप देखो, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं। वो एक ट्रेन के हादसे में एक लड़का है ब्रा, उसकी एक वीडियो कहीं बहुत पहले मैंने देखी थी, तो उसकी एक उल्टी टांग और ये दोनों हाथ ही फारिग हो गए। अब वो एक टांग है सिर्फ उसकी, वो एक टांग से चलेगा कैसे, वो कैसे अपने आप को मैनेज करता है, और इस एक टांग से वो जो बच्चे स्कूल में चार्ट नहीं होते जो क्लास में लगाते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया, सेहरा, पहले जमाने में सेहरे बहुत होते थे जो लिखे जाते थे,
शादियों में गांव देहातों में आज भी होते हैं, या किसी की तस्वीर बनानी है, वो उसका गुजर बसर है और वो अपने पाँव में कलम पकड़ के वो काम करता है। रोटी मांगने पे आए तो किसी भी तरीके से आप सर्वाइव कर लेते हैं। सिर्फ टिकटॉक ही नहीं है, सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम ही नहीं है कि एक रात में करोड़पति, देखो मैंने इस कमाई से अपना घर खरीद दिया। दूसरों को डिप्रेशन में डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर देते हैं। एक तो है ना कि आप अपनी खुशियां शेयर करते हो, लेकिन हर रोज ही एक नई खुशी शेयर करके दूसरों को मफलूज कर रहे हो, फिर ये होता है कि हमारी दुआ नहीं मानी जाती। तो अल्लाह ताला ने जब किसी को कोई मकाम देना होता है तो उससे पहले तारीकी कर देता है, भगाता है, आपकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। जब मुश्किलें बढ़ने लगें और आपका दायरा तंग हो जाए तो समझ लो इसके बाद एक बहुत बड़ी सैर होने वाली है, खुशियां मिलने वाली हैं। तो अल्लाह के देने का तरीका यह है, कभी कभी बिना मांगे वो दे रहा होता है, बिना मांगे दे रहा होता है। एक बंदा इलीगल एक्टिविटीज में पकड़ा गया, इलीगल कैनेडा में मॉन्ट्रियल में इलीगल पहुंच गया, दरिया के रास्ते मैक्सिको, मैक्सिको अमेरिका उधर पहुंच गए। वो पहुंच गए तो इलीगल वो जो होता है ड्रग लाना वो पकड़ा गया। और वो ऐसा था नहीं, वो जाहिर है मैच्योर एज है, 40-42 एज का बंदा था, लेकिन पीछे छोटे छोटे 4-5 बच्चे बेटियां थी सारी। और वो पहुंच गया कैनेडा, उससे सजा हो गई और सजा के 5 साल भुगते उसने। और उसके बाद वो जो पीछे वकील होते हैं केस करते हैं कि जी असाइलम दे दें, इसके मुल्क में खतरा है, ये बड़ा कर्जदार था, असाइलम मिल गया। वो जिस दिन जेल से निकला खत्म हो चुका है ना, जाहिर है 47 एज हो गई। वो सिगरेट का पैकेट लेने के लिए गया एक दुकान में, वो जो पगार मिलती है जेल में उन्हीं पैसों से, और वो देने को दिल भी नहीं कर रहा, और टूटा हुआ है सिगरेट का पैकेट लिया। आते हुए ऐसे करके उसने एक लॉटरी का टिकट निकला ले लिया। 2 दिन बाद वो निकलना था, 300 मिलियन डॉलर, अब गिनते रहो, $300 मिलियन उसको अता हुआ। और वो घुस गया जमीन में रो रो के, मर मर के। उसने कहा भाई 1 महीने के लिए इस पूरी स्टेट में या जहां भी जिसको जो खाना चाहिए, लिबास चाहिए, वो मैंने देना। $300 मिलियन कहीं इन्वेस्ट भी करेगा ना क्रिप्टो में या कहीं इधर उधर, तो 600 भी हो जाएंगे, वो 1000 भी हो जाएंगे। कभी कभी घुमा के वो देता है, लेकिन हमें नहीं पता। वो बाजाहिर तो बड़ा मुश्किल के बच्चे हैं, खाना नहीं हो रहा, उसको देना था। वो उसके लिए वो सख्तियां हुई, वो आया, उसको जेल हुई, वो गलत लोगों के हत्थे चढ़ा ड्रग्स की वजह से, जबकि वो लकड़ी का काम करता था जो फर्नीचर वगैरह बनाते। तो अब आप जिंदगी को देखो, ये थोड़े बहुत जो लोग हैं ना जो ये सोचते हैं कि हमें कुछ करना है, और वो सिर्फ सोचते रहते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं। आए हम आपको बताते हैं कि आपकी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही, आप इन चीजों को सही सही कर दें जो मैं बता रहा हूं, मुझे लाइक करें और मैसेज करें, आपकी वीडियो वायरल होगी। हर बंदा वायरल के चक्कर में पड़ा हुआ, कब वायरल हो जाए हम किसी तरीके से। क्या हुआ जो वायरल हुए, किधर गए? जितने भी वायरल हुए किधर गए बताओ? वो जो कारून था ना, कारून, उसके खजाने इतने थे कि वो आधी दुनिया खरीद सकता था, इतना अल्लाह ताला ने अता किया हुआ था। गया किधर? ना वो सिकंदर रहा जो दुनिया फतह करने के बाद बंदा गया पूरी दुनिया ही फतह कर ली। उसने कहा मर जाऊं तो मेरे खाली हाथ कफन से निकाल के पूरे शहर का चक्कर लगवाना कि देखो लेकर क्या जा रहा हूं जो दुनिया फतह कर चुका है। बड़े बड़े सिकंदर चले गए, बड़े बड़े रुस्तम और सोहराब चले गए, हमारी औकातें क्या है? अभी कुछ दिन पहले एक खातून है समीना, वो बहन मीटिंग कर रही थी तो मुझे कह रही हैं कि बेटे के लिए मैंने किसी से हिसाब करवाया कि मेरा बेटा मुल्क से बाहर चला जाए। तो उसने कहा आपका बेटा मुल्क से बाहर चला जाएगा और 6 महीने हैं, लेकिन जाने से पहले इसकी शादी कर देना और उसकी बीवी को अपने पास रख लेना और इसको भेज देना। उसने कहा मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या बात है, मतलब कोई भी लड़की शादी करेगी तो वो मेरे पास क्यों रहेगी? तो हमने खानदान में गरीब सी लड़की जो बहुत गरीब थी, खूबसूरत थी, मैंने बेटे को कहा कि
वो जो जिनसे हिसाब करवाया वो बुजुर्ग होंगे अल्लाह वाले, जाहिर है अगर उन्होंने कुछ देखा है तभी बताया होगा ना बहन को। उन्होंने कहा कि जी शादी कर लो बेटा, और बेटी बीवी होगी, मैं भी अकेली हूँ और तो कोई है नहीं, और तेरा काम हो जाएगा लेकिन शादी कर लो। उसने कहा पैसे इतने नहीं है, पैसे शादी पे लगा दिए तो बाहर एजेंट को क्या देना। उसने कहा अल्लाह मालिक है, शादी कर दी बेटे की। बेटा कोई डेढ़ महीना बीवी के साथ रहा और अचानक ही किसी ने उसको कहा कि यार वो YouTube से मेरे एक दोस्त ने मेरे रब्ता किया, अब फलां जगह पे वीज़ा दे रहा, वो बंदा पक्का है और तेरा वीज़ा ग्रीस का वीज़ा लग जाएगा। और लड़के का वीज़ा लग गया, लड़के का वीज़ा लग गया, वो वहाँ पहुँच गया। पहुँचा वो तकरीबन 3 महीने के करीब किसी रेस्टोरेंट में, इनडोर कोई उसको जॉब वॉब मिल गई। जाहिर है वीज़ा उसका विजिट था, विजिट वीज़े पे आप इलीगल एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व होते हैं ना, कि आपको $10 या 10 यूरो मिलने हैं तो 3 दे देंगे भाई, करना है तो करो, वो 3 भी हमारे लिए बहुत हैं जी, हम करेंगे। और रात के टाइम पे बासित उस लड़के का नाम है गुजरांवाला के, वो रात के टाइम पे वो कहीं पैसे वैसे लेके आ रहा था, तो जो कोई नाइफ क्राइम करने वाले काले होते हैं उन्होंने से पैसे वैसे छीने और जाते हुए हल्की सी ऐसे चुरी मार दी कि मतलब ये हो जाए, और वो यहां लगी शहर कट गई, वो लड़का मर गया। और मां की हालत क्या होगी आप देखो, कि उसने भेजा वहां पे, लड़का मर गया, लेकिन जो बीवी थी पीछे वो 2 बेटों की प्रेगनेंसी को अभी झेल रही है, मतलब कुछ दिनों के बाद वो दोनों बेटे हैं, दोनों डॉक्टर्स ने बताया है। तो ये जो कुछ चीजें हैं ना, वो हाइड शायद उन्होंने पूरी डिटेल न देखी होगी, उनको नहीं पता होगा, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है शादी करवा दे, अगर फर्ज करो शादी के बगैर चला जाता तो इस खातून का छिन तो सब कुछ ही जाना था, मतलब मरना तो उसने वैसे भी था, लेकिन पीछे कुछ ना होता। अब वो इंतजार में कर रही है कि रब ने एक चीना है तो 2 बेटे और मुझे दे रहे, और आफरीन है उस लड़की पे जो कह रही है मैंने सारी जिंदगी आपके साथ ही रहना। तो कहीं कुछ बस दुआ किया करो कि अल्लाह कुछ ऐसा ना छीने जिससे तकलीफ हो, कुछ ऐसा ना ले ले कि जिससे हमें तकलीफ हो। कायनात भरी पड़ी है, रोजाना आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए अजीब सा एक समा होता है। एक खातून कराची में एक शादी थी, तो वो वहाँ पे होता है शादी हॉल्स में, अब तो खैर पूरी जगह ही मैरिज हॉल जो होते हैं, खाना वाना जब बच जाता है तो वो एक ड्रम में वेस्ट खाना फेंकते रहते हैं और किसी प्लास्टिक में बांध के, वो कचरे वाली एक जगह होती है जहाँ फेंक देते हैं, या ड्रम में होता है कि कमेटी वाले आके ले जाएंगे म्यूनसिपालिटी वाले। और वहाँ पे ज़्यादातर अगर आप शादी ब्याहों में देखते हो तो जो खाने बचते हैं, जो लोग इतना भर लेते हैं और छोड़ देते हैं, जिसमें बोटियाँ भी होती हैं, वो भी वो आप देखो, छोटे छोटे पठान बच्चे होंगे, पविंदा लोग होंगे सराय की इधर उधर के, और बच्चियां इतनी खूबसूरत, और वो बच्चे इतने प्यारे, मैले से उतने हैं, लेकिन आप उनको नहलाओ तो गोरे भी देखते रह जाएंगे कि यार इतने खूबसूरत हैं। पाकिस्तान भरा पड़ा खूबसूरती से, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, इंडिया चले जाओ वहां भी इसी तरह, जो स्लम वाले एरियाज के बच्चे हैं वो खाना बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स के वो जो बच जाते हैं उनसे, बोटियां मतलब पानी से धो ली, चावल हैं वो अलग कर लिए, मीठे अलग कर लिए, और उनको भी वही खाना मिल रहा है। वो जो खातून थी वो बस उसका यही काम था कि वो शादी हॉल्स के बाहर रोज आना जाना है, कभी क्या और कभी क्या, और खाना इस तरह दिए जा रहा है अल्लाह ताला उसको। वो खातून जो थी वो एक दिन खाना प्लेट जैसे किसी ने आए ड्रम 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 प्लेट फेंकी, वो मेरे ख्याल से कोई खातून होगी अंदर किसी हॉल में, अल्लाह जाने क्या, उसने शॉपर बना खाना घर ले आई कि चलो जी मैं अपने घर जाके अपने बच्चों के साथ। वो जब उंडेला तो उसमें कोई बहुत बड़ा सा गोल्ड का नेकलेस था, कानों की बालियां थी, कड़े थे, और वो अल्लाह जाने किसी औरत ने वहां पे अपने उतार के रखे होंगे, तो वेटर ने चावल ऊपर डाल के गायब करके किया होगा और वो घूम फिर के वहां पहुंच गया। अब वो ये कहे कि मैं ये जाके वापस करूं वहां, तो उस बंदे तक पहुंचे ना पहुंचे, अब जाहिर है गरीब बंदे वो क्या करे। अब वो 3 दिन वहां चक्कर लगाती रही कि कोई तो पूछे, मतलब जाके हाय भाई सलाम अलैकुम, भाई सलाम अलैकुम, तो वो कोई पूछ ले ओ इधर आ तूने कोई ज़िवर भी, वो किसी के दिमाग में भी नहीं होगा, या फिर वो था ही किसी का नहीं, वो उसने दिया है जो कम अज कम 25 से 30 तोले गोल्ड की प्राइस उसमें मिल सकती हो, बहुत बड़ी।
उसने उससे चारपाइयों का वो जो होती चारपाई बनाना, ये इसका काम होता था जैसे अक्सर आपने देखा है। तो उसने एक दुकान कोई फॉर सेल थी चारपाइयों की लोहे की, और वो तो इसने थोड़े बहुत जो भी गोल्ड से आमदन आई तो इसने कहा भाई है मुझे दे दो। उसने कहा औरत खरीद रही पागल है पैसे हैं? उसने कहा हाँ कैश है, ले लिया। और वो चारपाई की दुकानें उसने किसी और बंदे को बिठा दिया आगे के भाई बेचो, अपनी फैमिली के जाहिर कोई ना कोई होंगे। इस वक्त चार शॉप्स हैं उस खातून की, मतलब जाहिर माल बिक रहा है, बाहर भी जा रहा है, सस्ते में उसने मार्केट का रेट खराब करके कर दिया, आगे उसको 10 भी मिल जाएंगी। तो जब ये पूरा एक सर्कल अल्लाह ताला जो चला रहा है ना, वो आप और मैं नहीं चला रहे, हमारे यहाँ क्या हमारी दुआएं क्या है? ये 15 साल हो गए दरे अहले बैत के सवाली हैं, मातम भी करते हैं, मजलिसों में रोते भी हैं। जब ईद उल मिलादुल नबी आती है तो हम तो सरकार की नातें पढ़ते हैं जनाब, टोपी भी सफेद पहनी हुई है, शलवार भी टखनों के ऊपर है, रायवंड भी जाते हैं, पर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, अल्लाह नाराज है हमसे। क्या दुआ है? वो इश्क मशूकी के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो अपने से बहुत बड़े खानदान और हसीन तरीन खानदान पे हाथ रखा हुआ कि वो मिल जाए। वो कैसे मिल जाए भाई? मतलब पहले अपने आप की बराबरी भी तो सोचो। अब ख्वाब तो सभी लोग देख रहे हैं प्रिंस बनने के, प्रिंसेस बनने के। कभी कभी अल्लाह ताला बड़ा सख्त इम्तहान लेता। सारी जिंदगी गुजर गई, मलका जो है यूके की वो इस उम्र में आके फोत हुई। वो अगर पहले फोत हो जाती जैसे हमारी माएं दादियां नानियां जवानियों में ही चली जाती, 50, 60, 65, 70 कर लो, उतने पता नहीं कितनी टाप गई। अल्लाह लंबी जिंदगियां दे सबको। और बेटा हमेशा एहसास पे बैठा रहा कि मां जाएगी तो किंग बनूंगा, किंग बन गया, कैंसर हो गया। छोटे वाला शहजादा जिसने बाद में बाप की जगह लेनी है, उसकी जो बीवी मलका आपने सुना होगा कल, उसको भी कैंसर हो गया। तो पैसा गारंटी नहीं है कि आपकी जिंदगी कैसी है। कैंसर तो आपको पता ही, सुन के याद आ तो बंदा वहीं से सुन हो जाता, मर जाता है। तो जिस भी पेशे में जुड़े हो ना, उसको सक्सेसफुल बनाने का या खुद को कामयाब करने का रास्ता निकालो। सिर्फ सोचो मत, वीडियो स्क्रॉल करके आए जी आपको वायरल करते हैं, बाहर ना गया वो वायरल करना। रमजान में भी वही अब लगाओ, अगर आपके पास टिकटॉक है तो लगाओ लाइव सेशन, दुबई की जो लड़कियां हैं जो पाकिस्तान से हैं, लगाओ क्या गुफ्तगु कर रही हैं, कौन सा रोजा चल रहा है, लैंग्वेज देखो, नाम उनके पढ़ना, फिर बड़े मुकद्दस नाम होंगे, फेक ज्यादातर तो असली नामों से आते नहीं है। तो कौन सा रमजान और कौन सा इस्लाम जो हम तारी किए जा रहे हैं अपने आप। आप बहुत अच्छे हो, आप घरों में हो, छत पे हो, जिनके मां बाप थोड़े गुस्से से सख्ती से बात करते हैं ना, आपको यकीन करो बाहर पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। नारोवाल में एक लड़की है, बहुत पहले मीटिंग हुई एक दफा, और वो लड़की शक्ल की थोड़ी अच्छी, तो शक्ल की अच्छी हो तो हर बंदा कहता है तू तो हीरोइन लगनी है, ओए तुझे तो ड्रामों में आना चाहिए। वो लड़की हवा भर गई, लड़कों में भी होता है मेरा पुत्र तो हीरो, हाय 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 ये शाहरुख खान की, मेरे पुत्र ठीक है आपका पुत्र खूबसूरत, शाहरुख खान नसीब लेकर आया, आपका बेटा नसीब लेकर नहीं आया, बड़े बड़े शहजादे मलबों तले दबे हुए हैं, मनो मिट्टी के नीचे। तो हवा भर दी लड़की लड़की, और घर में काम काज ही ना करे, मां कह कह के थक गई, 3 बहनें और छोटा सा घर, मतलब जो होता है मीडियोकर फैमिली का, बाप दूध दही की दुकान पे, जाहिर अपना दूध दही का बिजनेस, तो कितना कुछ चलता है वो, बस ठीक है गुजारा हो रहा है, छोटा घर है, 3 बेटियां पल रही हैं, स्कूल में पढ़ रहे, वो लड़की के पांव जमीन पे ना टिके। और जब वालदा ने वो हिसाब हिसाब के कब होनी है शादी ये वो, तो वो डांटती थी कि काम करो, दूसरे घर में जाओगी तो तुम्हें को पूछेगा नहीं। माएं हमेशा ये सख्तियां करती, और कहीं फोन पे किसी ने सेट किया वो उस लड़की को, जो होते हैं मादर पिदर आजाद जो नहीं देखते कि किसी की बेटी, उसने कहा भाई, और वो फेक बंदा जो भी कोई है, मैं गाड़ियों के शोरूम है, मेरा बाप तो ये है और वो, और रोप डाप डाल के थोड़े से जिनको कंप्यूटर का सेंस होता है ऊपर हावी हो जाते हैं। तो उस लड़के को छोड़, वो हर किस्सा बताया, मेरी माँ ने आज मुझे महाराज ये कहा, आज ये कहा, उसने कहा छोड़ तेरा क्या, आज आप बाहर हम शादी करते हैं, बाद में बता देना, मैं तुझे मेरी तो अम्मी तुम्हारी बड़ी कदर करे। लड़की भाग गई घर से,
और जिस दिन वो भागी, वो शादी वादी क्या करनी थी, वो लड़का उसको ले गया। सात दोस्त थे, अखबार पढ़ना जरा, सात दोस्त थे, रेप किया उन्होंने, 11 दिन किसी दोस्त के घर में उसको बांध के रखा, शादी वादी क्या करनी थी, 11 दिन तक रेप हुआ। उनमें से 3 लड़के फिर पकड़े भी गए बाद में, बाकी गायब हो गए, और लड़की ने सुसाइड कर लिया। जाहिर अखबारों में आ गया, हर जगह आ गया, क्या करेगी। तो आपको जो लग रहा है ना, घर से बाहर भागने के बाद आपको कोई प्रिंस चार्ल्स मिलेगा, तो कोई नहीं है, बकवास है खुदा की कसम। ये जो सुनहरे बाग दिखा रहे हैं ना आपको, वो अगर इतनी हलाली मां बाप के बच्चे हैं ना, तो पेरेंट्स को लाके आपके मां बाप के कदमों में ऐसे हाथ जोड़ के कि आपकी बेटी हमें चाहिए, शहजादी बना के रखेंगे, और फिर रखना, रखते भी तो नहीं है ना। मैंने कहा ना, वो फ्यू पीपल होंगे इस कायनात में जिन पर रब की मेहरबानी होगी कि ये मेरा इंसान है, ये मेरी कनीज है जो ये कर रही है, जिसमें नबूज होगी ना, की ना होगा। तो जब मैं बहुत सारी ईमेल्स पढ़ रहा होता हूं ना, जिसमें मेरे रब की या मोहम्मद आले मोहम्मद की शान में कोई गुस्ताखी के अल्फाज होते कि हमने तो ये कर दिया, वो किसी ने लिखा मुहर्रम में, मैंने 7 मुहर्रम 7 साल हो गए, हम तो देगे दे रहे, न्याजे दे रहे, मेरे बेटे के लिए रिश्ता ही नहीं हो रहा है, आप इसलिए उनका सोग मनाते हो कि बदला चाहिए आपको। वो बतूल तो किसी का एक पैनी ना रखे, क्या पता आपके बेटे के साथ क्या होना है। वो एक भाई है, अब्बास नजर उनका नाम है, डेरा इस्माइल खान के हैं। 1.5 साल पहले वो बहुत ज्यादा, जी मेरा बेटी है और उसने मैथ्स कम्युनिकेशन में ये किया वो किया, खूबसूरत है, पढ़ लिख गई, अच्छे मैार का लड़का नहीं मिल रहा, वो 3-4 मैच करवाए, वो बहुत अच्छे मैच थे, मैच क्यों करवाए, नहीं नहीं ये नहीं, को बहुत बड़े खानदान का, वो दुआ कर रहे हैं दुआ कर रहे हैं, बेटी की ये 31 हो गई भाई, कह रहे नजर न्याजे और जुलजना और अलम वाले भाई, वो मैं बाद में बताता हूं कि वो क्या है और जो आप क्या कर रहे हैं। जबरदस्ती, जाहिर है जब आप बहुत ज्यादा करते हो तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी शादियों की साइड होती है, तो लड़की ने अपने आप को वहां पे टैग किया को बंदा फ्रॉम कनाडा, यो मैन 48 का, कहा हाँ मेरी शादी खत्म हो चुकी है, मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरी माँ पाकिस्तान में है, बूढ़ी है, तो फिलहाल तुम इधर ही रहना, जब वीजे का बंदोबस्त हो जाएगा तुम कर देंगे। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था वो बंदा, कोई कनाडा वैनेडा में नहीं था, पाकिस्तान से जो बोट्स के जरिए कंटेनर में जो लड़कियों को भिजवाते हैं, बेच देते हैं, ये वो लोग थे, या फिर पकड़ के रेप करते हैं, उसके बाद दोनों गुर्दे निकाल के बेच दिए, आंखें निकाल के बेच दी, बिकती है ना, पाकिस्तान भरा पड़ा ऐसे केसेस से। अभी 6 महीने पहले 5 बड़े सर्जन पकड़े हैं किडनी का, वो जो ट्रांसप्लांट करते हैं और अरबियों को और मुख्तलिफ लोगों को बेच रहते हैं। हम लोग तो मेंढक का गोश नहीं छोड़ रहे हैं। तो लड़की के साथ ये हुआ, लड़की आज तक कुछ पता नहीं चला, वो अगर वो जो शरीफ लोग थे जो थोड़े कम पढ़े लिखे थे या लेकिन खिला तो अच्छे रहे थे, तो कभी कभी क्या है, अब आते हैं कि वो जुलझना और वो न्याज या वो ईद उल मिलादुल नबी शिया सुन्नी की बात नहीं हो रही है, यहां हो रही है कि आप तवक्को क्या कर रहे हो, वो क्यों आपको सेफ कर रहे हैं। कहते हैं हाय काश सारी जिंदगी हमारी आंखों के सामने रहती, भारी थोड़ी थी हमारी बेटी, चलो भारी नहीं थी तो अब हो गई ना भारी। अल्लाह सब बच्चों पे, सब लोगों पे रहम करे, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके आपकी जिंदगियां महफूज रखे। तो कभी ये मत कहना कि हम तो इतने आंसू बहा चुके हैं, तो वहां से मतलब कुछ कुछ ही लोग होंगे जिनकी कबूल नहीं हुई, वरना मैं आपके सामने जिंदा हूं, मेरी जिंदगी सिर्फ एडवेंचर और मौजजात पे बिलीव करती है, मौजजात से भरी है मेरी। अगर कोई सांस तकलीफ में आ रही हो तो डायरेक्टली मैं तो मौजा मान के नफल पढ़ के बस फारिग, और इतना फेथ कि मौजा माना और पहले मौजा देता हूं, कबूल नहीं हुई अभी फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब मैं उन लोगों में से हूं कि अगर कोई मन्नत मांगी है तो जिस वक्त मांगी उसके अगले दिन ही वो मन्नत दे देनी है, वो बड़ी है छोटी इससे फर्क नहीं पड़ता, वो दुआ कब कबूल होगी इससे फर्क नहीं पड़ता, वो इतना फेथ है कि वो कबूल हुई। और मेरे 100 में से कोई 150 दुआएं कबूल हुई, 100 तो वो जो मैंने मांगी, 50 वो जो नहीं मांगी, बिना मांगे मिल जाता। तो भरोसा ये है, हर वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह है ना वो दे रहा है तब भी, वो नहीं दे रहा तब भी, तकलीफ हुई सजदे में जाओ, खुशी हुई सजदे में जाओ,
औलाद नहीं हो रही सजदे में जाओ, औलाद हो गई सजदे में जाओ। उसका शुक्राना जो है ना, ये उस शहनशाह को बड़ा पसंद है। कुरान में कहता है मुझे गिरिया उजारी करने वाली आंखें ये पसंद है, मुझे शब बेदारियां नहीं चाहिए कि सारी रात जागे रहो और तस्बियां करते रहो, वो तो कर ही लोगे ना, वो मेरा तुम्हारा मामला। भीगी हुई आंखें, भीगी कि क्या किस वजह से? वो जो दरे बतूल पे जो शहीद है उनके लिए, क्योंकि मेरा हबीब भी रोया था अपने हुसैन के लिए कि मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे, या फिर मेरे खौफ और इश्क में बहने वाले आंसू। ये जो फकीर लोग हैं ना, हमेशा वो हमेशा रोते रहते हैं। हम सिले मांगते हैं कि चल चल जल्दी से जाएं यार, फला जगह ईद उल मिलाद है या मजलिस है, दुआ कबूल होती है, फला जगह मन्नत मांग ले। हम उनके लिए रोने के बाद सिला मांग रहे हैं, हम कुछ देने के बाद इस चीज के इंतजार में है कि हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा होगा। अरे इश्क में क्यों नहीं दे रहे? इश्क किया है कभी किसी ने हम में से? बहुत लोगों ने किया हो, अब टाइम पास लगता होगा, फजूल लगता होगा, चलो ठीक है, लेकिन जब किया तब क्या था? जिन्होंने बहुत शदीद किस्म का किया, मरी में एक बंदा है, मरी में इश्क कर लिया उसने, मतलब इस्लामाबाद का है, पढ़ा लिखा लड़का है, वो लड़की मरी से कहीं मारगला कॉलेज वॉलेज में आती थी, वो बहुत खूबसूरत थी, जाहिर है आज़ाद कश्मीर मीरपुर मरी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं, सुबह सरहद चले जाओ पूरे का पूरा पुख्तून या पर्शियन फैमिलीज या इनको बहुत खूबसूरत लोग हैं। तो वो कहीं इश्क में पड़ गया, खुद भी जाहिर है पढ़ाई वढ़ाई से फारिग, ताज़ा ताज़ा हुआ, लड़की कॉलेज में है, तुम वो लड़की थोड़ी सी डरपोक फैमिली की, अच्छा है डरपोक होना चाहिए भाई, लड़कियों को होना चाहिए। मैंने कहा ना, मेरे मौला अली फरमाते हैं कि मर्द का सखी होना बहुत बड़ी बात है और औरत का कंजूस होना बड़ी बात है, क्योंकि औरत अगर सखी हो जाएगी ना लुटा देगी सब कुछ। अरे मैं तो सखावत में, वो खामिन जो कमा कमा के प्रदेश में या शहरों में दे रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं, वो लुटा देगी, तो उसका बचा के रखना, सेविंग वाली खवातीन बड़ी कामयाब होती। मर्द नडर अच्छा होता, बहादुर शेर, और औरतें ऐसे करके नहीं, कमजोर डरपो। कमजोर से मुराद अब वो मेरा जिस मेरी मर्जी मत ले लेना, कमजोर मतलब के अल्लाह ने एक नाजुक अंदाम, अपने हक के लिए लड़ना, वो चीजें छोड़ दो सारी, वो मैं भी जानता हूं आप किस कंटेंट में क्या सोच रहे होते हो। तो वो जो थी थोड़ी बुजदिल के जी बाप को पता चल गया तो ये वो बाप बेचारा कहीं जो अनाज के गोदाम नहीं होते उनमें काम करता था, वो जो मुंशी होते हैं कि जी साहब करो कितनी बोरियां आई आटे की, और वो ठीक है बस ऐसी फैमिली। और ये लड़का रोजाना जब वो कॉलेज जाए तो ये उसके साथ, मतलब वो लड़कियों की बस में जाहिर है आना जाना है या प्राइवेट बस में है, ये बस रोजाना जाए और शाम में वापस आए, सिर्फ इसलिए कि उसको देखे और बात बात हो ना हो। शुरू में तो 3 साल तो उसको ऐसा इश्क रहा कि वो बर्फ पड़ रही है और बाहर बैठा हुआ। ये मैं तब की बात बता रहा हूं जब उसकी उस लड़की से शादी हुई, और बहुत बड़ा फैन था मेरा, जिसने कहा जी आपके सारे रेडियो शोज मैं रिकॉर्ड करके कैसेट्स भेजता था उसको, और वो भी बड़ी फैन थी आपकी, क्योंकि वहां रेडियो के सिग्नल वो पहाड़ के नीचे रहते थे तो प्यार इश्क मोहब्बत आता नहीं था। आप सर आपको पता नहीं है। तो जब मैंने सुनी उसकी बात तो मैं वैसे ही पूछ रहा था, मैंने कहा शदीद सर्दियों में भी मतलब रोजाना जाते थे? उसने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा उसका घर जहाँ नीचे उतरते थे वो तो आदि है आना जाना, तुम कहाँ रुकते थे? कहाँ बस किसी भी दरख्त के पास बैठ के कि आएगी, उसको भी पता होता था। और टेलीफोन हर किसी के एक्सेस में नहीं है ना, फोन मोबाइल फोन, और जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त हर किसी के पास इतना था नहीं। तो बर्फ है, गर्मी है, बारिश है। मैंने कहा कभी बीमार हुए? कह रहा पता ही नहीं चला, वो 3 साल जो मेरे इश्क के गुजरे हैं मुझे पता ही नहीं चला। कह रहे एक दिन मुझे याद है कि वो बस से उतरते हुए उसका पांव फिसला और गिर गई। कह रहे हैदर भाई आज भी याद है मुझे, को गिरी तो उसकी सहेलियों ने उसको उठाया, घुटने उठने पे कुछ चोट लगी थोड़ा सा हल्का सा। कह रहा वो मुझे फील हुई, वो जब गिरी तो वो दर्द आज भी मेरी टांग में महसूस होता है, इश्क ही होता है बॉस। वो लड़की जो कहती लुटा देता, वो होता है ना कि ईद आई तो चूड़ियां दे तो फला, पहले तो यही होता था, अब तो खैर ईद आई तो पता नहीं क्या क्या दो। और आप वो गुस्सा एंगर, बहुत सारे लोग आपकी पॉकेट में हैं, इसलिए अब हम जल्दी जल्दी रिलेशन ब्रेकअप पे आ जाते हैं, तलाक जाते हैं, तुमने चलो ठीक है ओके खत्म ना चलो जाओ,
थोड़ा सा जो हैवी होगा वो फॉर्म खत्म कर देगा, कहेगा जा यार दूसरा आ जाएगा, बस दिल भर गया हमारा। तो इश्क किया है, अब मैं कह रहा हूं इश्क क्या होता है और अक्ल क्या होती है, इस पे हम अपने इस प्रोग्राम की इस गुफ्तगू का अंजाम करते हैं कि अगर आप अक्ल वाले बन के अल्लाह को ढूंढोगे या मोहम्मद वाले मोहम्मद की नजर नियाज करने के बाद अक्ल वाले बन के रिटर्न मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो मिल जाएगा क्योंकि उसने कहा तू मेरी राह में एक दो मैं तुम्हें दस दूंगा, दस दो तुम्हें सौ दूंगा, वो देगा, वो भी देंगे। वो तो एक के बदले दस देता है, तरे मोहम्मद पे एक के बदले बीस मिलते हैं, कुछ बुजुर्ग कहते हैं चौदह मिलते हैं भाई, चार उससे भी ज्यादा देते हैं। और वो कहता मैंने लोहो कलम तुम्हें दिया, तुम जिसको चाहो जो दे दो, शफात भी तो तूने करनी, मैं तो नहीं माफ करूंगा इन लोगों को जो तेरे उम्मती हैं, जो कदूरत रखते हैं, बुग्ज रखते हैं, कीना रखते हैं, फिका परस्ती रखते हैं। ये मेरी पार्टी का बंदा तो वो उसकी पार्टी का, मार दो, ठार दो, वार दो, सब कुछ कर दो, पर अपने साथ इंसाफ करो, बाकियों को तबाह कर दो। मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन तूने कहा मेरे मोहम्मद के मैं वसीला बनना चाहता हूं शफात का, तो तू जो कहेगा हो जाएगा, मैं पूछूंगा भी नहीं कि इसको क्यों तू भेज रहा। तो अकल से नहीं मिलेगा। अकल वाले के क्या है, मैं आप हम सब दुनिया में दुआ क्या मांगते हो आप कि अल्लाह मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे साथ वफादार रहें, उनके अच्छे रिश्ते हो जाएं, परवरदिगार एक घर दे दे, एक चार दीवारी दे दे, बड़ी एफर्ट की है, ये दुआएं होती है ना, एक गाड़ी दे दे, कारोबार को फैला दे, ये हैं अकल वाले। इश्क वाले क्या होते हैं, उनकी दुआ क्या होती है कि परवरदिगार ये घर भी तेरा, ये दर भी तेरा, ये औलाद भी तेरी, मैं भी तेरा, परवरदिगार कब आऊंगा मैं तेरे काम तू बोल, और ये मैं तेरे काम कब आऊंगा, ये उनकी बात नहीं कर रहा जो टेररिस्ट है, जो टेररिस्ट हैं, जो मुल्लाओं के कहने पे सो कॉल्ड मुल्ला, मुल्ला बड़ा पाक एक लफ्ज है, लेकिन सो कॉल्ड चाणा है जो मुल्ला बन जाते हैं उनके कहने पे, अरे तेरा जन्नत में घर है, मार दे, मार देना, सबसे बड़ा कत्ल का है कायनात का, किसी की जान लेना मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, चर्च में, मंदिरों में, यही हो रहा। कल वो एक कॉन्सर्ट हो रहा था रशिया में, टेररिस्ट अटैक हो गया, 40 लोग जगह पे मर गए और बेशुमार जो जख्मी हुए उनमें से भी 23 लोग बाद में मर गए। तो कौन लोग हैं दिमागी मरीज, इश्क वाले सब लुटा के इंतजार में होते, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि सब तेरा, मैं तेरे काम कब आऊंगा। परवरदिगार आप सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वो सब्र करने वालों के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरे इन्हीं बिखरे हुए लफ्जों के साथ हमने कर दिया है अपनी शब का आगाज आज के इस प्रोग्राम में। हर बंदे को थोड़ा थोड़ा हिस्सा जरूर मिलेगा। अगर आपको नहीं पता आज हम क्या करने वाले हैं तो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये वीकली हॉरोस्कोप है जो कि 25 मार्च से लेके 31 मार्च तक की अपडेट आप देखोगे। सबसे पहले एरीज वालों की बारी है, एरीज वाले हमारे सामने आ चुके हैं और खुश रहिए, आप लोगों के मैसेजेस हम साथ साथ देखते रहेंगे। और प्लीज़ कोई भी ऐसी डेट ऑफ बर्थ मत लिखना क्योंकि मैं अब इसको ख़त्म करूंगा, ज़्यादा बातचीत में हम नहीं पढ़ेंगे ताकि ये प्रोग्राम आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सको। एरीज, सबसे पहले ये याद रखो कि इस हफ्ते में आप लोगों के साथ जो होना है, क्योंकि ये वाइंड अप है, 21 मार्च के बाद जाहिर है एक नया दौर जो शुरू हुआ, इसने आपको बहुत मजबूत किया है, जहां आपकी वो दबी हुई ख्वाहिशें, आरजुएं, तमन्नाएं, उस सकते हुए अरमान जो कि ये हो जाए, माँ बाप की कोई खुशी या आपकी कोई खुशी या आपकी जो भी विश है वो पूरी हो गई ना, वो नहीं हुई तो होने वाली है। यही पूरा हफ्ता है जिसमें आप अपने आप को बड़ा लकी गर्दानोगे, ताकतवर महसूस करोगे। अब बाय द वे आज मैं एप्पल विजन प्रो पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि हैदर भाई आपका चेहरा देख के, एक्सप्रेशन देख के हमें अच्छा लगता है, वो आधा चेहरा आपका कवर हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कुछ प्रोग्राम्स एप्पल विजन प्रो के मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, लेकिन ठीक है, मेरी मीटिंग सारी उसी पे होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसी तरह हैप्पी हो तो आई एम हैप्पी टू नो। तो आपके लिए जाहिर है एक मजबूती वाला जो सिलसिला शुरू हो रहा है परवरदिगार की तरफ से, उन मेहनतकश लोगों के लिए भी है जिनके पास जॉब्स वगैरह अब तक नहीं थी, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें कहीं से सोर्स इनकम का बन जाए। बहुत बढ़िया तरीके से लिंक बनने वाले हैं और आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जाहिर है यहाँ से अपने सख्त रवैये को थोड़ा सा सॉफ्ट
करने की ज़रूरत है। वो जो बहुत एंगर आ जाता है हर किसी की बात पे, या हर छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा शक करना, या आप हमेशा इस इंतज़ार में रहते हो कि आपके साथ कुछ 100% ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। 24 घंटों में भी नहीं होता। हाँ, कंफर्ट जोन में रहो, इतना पैसा है, आपने काम कर लिया, या आपके पास सेविंग है, अपनी मर्जी से आप जी रहे हो, तब भी कहीं ना कहीं 24 घंटे आप हंस नहीं सकते हो। बस कह के मारते रहो, खुश रहो। खुशी क्या है? रिलैक्स होना कि आप आज का दिन, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, वो ईद का दिन है। आज के दिन आपने झूठ नहीं बोला है, वो आपकी ईद का दिन है, तो वो वाली खुशी जो आप वैसे ऐसे हो नहीं, लेकिन क्योंकि आप बहुत गुप्त हो, ये बात मानो कि आपके अंदर एक जो वजूद की गुफा है, गार है, उसके अंदर आपने हजारों राज रखे हुए, फिर भी इनोसेंट मूव के साथ लोगों के सामने आते हो, कत्ल करते हैं मगर हाथ में तलवार नहीं। यही आपको लगता है ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। कुछ लोग डिजर्व करते हैं आपकी तवज्जो और सच्चाई, उन तक डिलीवर करने की कोशिश करो, वरना जो रिलेशनशिप का एक बड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, ये बहुत फैल सकता है। कभी कभी होता है सामने वाले, जैसे वालदैन है, कभी आप झूठ बोलते हो उनके सामने, उनको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो इतने इनोसेंट होते हैं, अच्छा ओए होए हमें नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं, वो सब पता है कि बेवकूफ बना रहा है या बना रही है। इसी तरह कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं जिनको पता है कि भैया ये हमें चूना लगा रहा है या लगा रही है, और हम तो जानते हैं कि तुम कौन हो, लेकिन हम चुप हैं इसलिए कि तुम खुश हो। तो आपकी खुशी अगर कोई दे रहा है, तो उन रिश्तों को समझने की कोशिश करना। अगर आपको लग रहा है कि जिनके साथ आप फॉल इन लव हो, उनको जल्द अज जल्द कायल करो। आपके पास यहां से एक अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, जरूरी नहीं कि इसी हफ्ते हो जाए, बट इस हफ्ते अगर निकाह वगैरह होता है तो बड़ा मुबारक रहने वाला। आने वाले दिनों में वो हमारे बहन भाई जिनके पास रिश्ते नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली से आप लोगों को रिश्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोग अब उस गेम का हिस्सा बनने वाले हो जो इससे पहले आपने नहीं देखी है, यानी आप बड़ी कैटेगरी में शामिल होने वाले हो, आपकी इज्जत और शोहरत के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो ये याद रखना कि जब इज्जत और शोहरत के दरवाजे खुलते हैं तो आप लोग बड़ी सोसाइटी में मूव करते हो, तो आपका लिविंग स्टाइल चेंज होता है। ये वाला जो वीक है, ये उन लोगों से मिलाप करवाने के लिए, इत्तफाकिया ही सही, गुफ्तगु कराने के लिए, या ईमेल या किसी भी तरीके से खुशगवार सूरत हाल पैदा होगी, और आपके ताल्लुकात घुलने मिलने के बाद आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। क्रिप्टो करेंसी में 42% से ज्यादा आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना, लॉन्ग टर्म ही करना बट 42 के ऊपर मत करना। गोल्ड में कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। हाँ, मकान तब्दील करना, घर बदलना, रूम बदलना, कुछ भी शेयरिंग पे जाना, ये आपके लिए बड़ा मुबारक रहने वाला है। और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा ये टाइम पैसा कमाने का है, बनाने का है, तो जो जायज सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हो, अनापरस्त तो होते हो, खुददार होते हो, लेकिन जाहिर है हर कोई आपको समझता नहीं है। आपकी वो जो एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी है वो हर किसी के हिस्से में आती नहीं है, थोड़ा चाशनी वाला चक्कर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्ज की अदायगी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप बैंक से कोई कर्ज लेना चाह रहे हो, लोन लेना चाह रहे हो, तो अच्छा खासा आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने आप से मुतमईन नहीं हो, मालूम नहीं क्यों आप लोग बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम में खोल के बैठे हो, जबकि आप वन टाइम वन वाले हो कि एक टाइम को 100% फोकस कर लो। मल्टी टास्कर होना अच्छी चीज़ है, लेकिन इस वक्त जितने भी मसाइल है ना इरीज वालों, उन सब का एक एक करके हल होना, तो इसलिए तरजीहात जो आपकी बुनियादी तौर पे आपको लगता है कि इस काम का पहले करना जरूरी है, तो पहले उसको खत्म करो। इकट्ठे अगर आप सारे जानवर ज़बह करके बैठ जाओगे तो बोटियां करते करते 2 दिन भी लग सकते हैं आपको। कहीं ना कहीं से एक खुशखबरी आपको मिल सकती है, जिसमें आपके वीज़ा, इमिग्रेशन या पेपर या डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई कोई चीज़ है। अगर आप लोग किसी से मिलने की प्लानिंग कर रहे हो, किसी और मुल्क या शहर जा रहे हो, किसी के साथ मिल के बिजनेस करना चाह रहे हो, तो समझ लो परवरदिगार की तरफ से कोई बड़ा एक गेम ऑन हो जाएगा और आपके लिए आसानियां दिखाई दे रही हैं। इलाज मालजे के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग अगर बेचैन हो थोड़ा रिलेशन को लेके, जिनकी शादियां हो चुकी हैं या जो अपने रिलेशन में हैं, झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इस हफ्ते ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन ये ख़त्म होने वाले जो स्टार्स हैं आपकी ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं, यानी रिश्ता खत्म हो जाएगा हमारे साथ, फिर क्या होगा। थोड़े से औलाद के हवाले से और बुजुर्गों के हवाले से वेदर चेंज होता है, तो सेहत पे थोड़ा बहुत असर आता है, तो उसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। एरीज, आप लोगों को ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे देखो आप लोगों को नजर आ जाएगा कि लव 62% है तो है,
एंगर 37 नहीं होना चाहिए था, रिलेशनशिप 77% है तो है, मनी 54 नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, हेल्थ 87 है तो है लेकिन रूहानियत 21% ही होनी चाहिए थी, आप लोगों की स्टडी एंड एजुकेशन 59% रहेगी और लक आपका साथ देगी 48%। तस्बीहात जो आप लोगों को पढ़नी है हमारे प्यारे हरीज वालों वो है या कुद्दूस हो या खालिको, ये दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी होंगी। और आप लोगों के लिए जो सदका है वो है खीर, किसी भी गरीब को दान कर सकते हो आप लोग, राइस दे सकते हो, पुराने कपड़े दे सकते हो, कैश दे सकते हो। कलर ऑफ द वीक है ब्लू ग्रे एंड वाइट, बेस्ट ऑफ लक हमारे एरीज के लिए। वेलकम कहते हैं हम उनको जिनका नाम है टॉरस। टॉरस वाले हमारे प्यारे जो इंतज़ार में हैं, और मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ भी देख लूँ, प्लीज़ आप लोगों से नाराज़गी नहीं है लेकिन उदासी ये है कि इतने पाक महीने में आम दिनों में भी आप अपना दिल खोल के डोनेशन देते रहते हो, सदकात देते रहते हो, बट आप सुपर चैट का दूर दूर तक नहीं पता। पहले ऊपर बहुत सारे रंग बिखरे होते थे, इंडिया से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, यूके से, या तो अब आप लोग डन हो चुके हो कि बस अल्लाह को जो देना था हमने उसकी राह में दे दिया, क्योंकि आपकी जो चीज़ें आ रही होती हैं उसके लिए मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमें हमारा पैसे देने हैं हमने, तो हमारा नाम नहीं आना चाहिए, उन लोगों का नाम हम जाहिर है जब उन्होंने कह दिया तो नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो साथी अदाकार हैं जब वो कुछ डोनेट कर रहे होते हैं तो जिनके घर में चूल्हे जलते हैं तो उनके लिए मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। और यमुना जैदी पाकिस्तान में जो टॉप स्टार हैं, बड़ी अदाकारा हैं, उन्होंने एक बड़ी डोनेशन दी है और सदका दिया है अपना और अपनी वालदा का, अपने भाई का, तो अल्लाह कबूल करे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके उनकी आसानियाँ हो जाएँ। जबकि वो हमेशा ये कहते हैं कि नाम नहीं ले, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो कर रहे हैं दुनिया में वो उनको आगे भी कुछ ना कुछ फल मिलता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। और टॉरस वालों तस्बीहात हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे टॉरस वालों के लिए यह हफ्ता पहले हफ्तों की निस्बत थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इस वजह से है कि इसमें आपकी वो जो जंगालूद पर्सनैलिटी है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगी। आप एक नए दौर में दाखिल हो रहे हो। आप अगर कोई होता है ना इतकाफ़ में बैठने का प्लान कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि मुझे कोई रूहानी एक तस्बीह करनी है, या आप सोच रहे हो मुझे किसी एक जगह पे जाके ज़ियारत करनी है, उम्रा करना है, फ्यूचर में मुझे हज करना है, या मुकद्दस प्लानिंग जो भी होली श्राइन जिस भी मज़हब में हो आप लोगों के स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये वन ऑफ़ द बेस्ट टाइम है। वो काम जो आपकी ज़िंदगी में नहीं होने नामुमकिन है वो भी होना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव वे में, हम ये बता रहे हैं। तो आप लोगों के लिए आसानियां दिखाई दे रही हैं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा जो एक मुहिम है वो आसान हो रही है, आप लोगों के लिए कामयाबियों का एक नया दौर शुरू हो रहा है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो स्टूडेंट हैं, ख़ास तौर पे वो जो बेरोज़गार हैं, ख़ास तौर पे वो जो गैर शादीशुदा जिनके यहाँ रिश्तों की अभी कमी है। अगर हम रिश्तों की बात करें तो आप लोगों को फैमिली आउट ऑफ फैमिली से 62% मैच के साथ इसी हफ्ते कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है, और इस हफ्ते के बाद भी जो प्रपोजल आता है मैच करवा लेना खुदा के वास्ते। स्क्रीन पे फिर से दिखा देते हैं कि मैच करने के लिए लिखा हुआ है rajahaider@hotmail.com, इस पर आपने मैच करवाना है। और आप लोग जिस वक्त कोई भी शादी की डेट वेट निकालोगे तो ये जहन में रख लेना कि अगर इसमें आउट ऑफ कंट्री का कोई रिश्ता आ रहा है तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और वो ऑलरेडी जिनकी शादियां हो चुकी हैं बहुत मज़ेदार नहीं हैं, कुछ नमकीन नहीं है ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगियां भी बदलती हुई हैरान कन तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें सारा हिस्सा आपका होगा। फरीक दौम कभी भी वो किरदार अदा नहीं करेगा। सफ़र दरपेश हो सकते हैं आपको, छोटे या बड़े, अचानक ही आपको ज़रूरत पड़ेगी। पैसा अच्छा खासा है लेकिन आपके एक्सपेंसिस भी इस हफ्ते अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। रुकी हुई रकमों का मिल जाना, आपकी सेहत का इम्प्रूव हो जाना, ये चीज़ें तो हमें यहाँ दिखाई दे ही रही हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि कोई अगर कर्ज मांग रहा है या कोई कीमती चीज़ें मांग रहा है, जेवर कपड़े कुछ भी, वो देने की कोशिश मत करना वरना बहुत बड़े नुकसान में आ जाओगे। और बग़ैर सोचे समझे किसी के साथ पार्टनरशिप में जाओगे तब भी बहुत बड़े नुकसान में आ जाओगे। मैच करना बड़ा ज़रूरी है।
जितने भी लोग इस वक्त वीज़ा इमिग्रेशन के लिए परेशान हैं, इसी हफ्ते आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आप पेपर जमा करवा चुके हो लंबे चौड़े अरसे के लिए और अब आप उसके रिजल्ट के इंतज़ार में हो, तो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, वो अब उससे आज़ाद हो जाएंगे, यानी खुद के बॉस बनने का टाइम शुरू हो चुका है। अगर आप चाहो तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, जिसको बढ़ावा मिल रहा है। बहुत सारे स्टार्स हैं जो आपको पुश कर रहे हैं। हाँ, आरामदेह और कम्फर्ट लाइफ आप चाहते हो ना, तो फिर जॉब की बजाय आपको अपने बिजनेस की तरफ आना है। दुनिया में आज तक जॉब से बड़े कम लोग बने हैं, वो लोग जिनकी मतलब लाखों में डॉलर्स में या वो है तनख्वाहें, वो लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बाकी लोगों को बहुत एफर्ट पुट करना पड़ता है, लेकिन बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कंफर्ट भी हो, इख्तलाफात हो या ना हो, आपको पता है अपने सोर्स कैसे बनाना है। तो कोशिश किया करो कि बहुत, और बिज़नेस अकेले लेकर नहीं चलते हैं। बिज़नेस का मतलब है, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो ऑनलाइन कि आप अकेले ही काफ़ी हो तो ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट देनी होती है, आपने को मुलाजिम रखा, आपने और लोग रखे, आहिस्ता 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 बढ़ता रहेगा। तो काम तो होता है कभी कभी, लेकिन आपको ये प्लान करना बड़ी अहम चीज़ होती है। जो हमारी बहनें इंतज़ार में हैं कि जी उनके यहाँ औलाद हो जाए, तो बुध का दिन, जुमेरात का दिन और जुमे का दिन, ये तीनों दिन हुक्मरान सितारे सपोर्ट कर रहे हैं कि आप कंसीव कर सकते हो। स्किन की डिजीज़ है, हड्डियों का दर्द है, आँखों का मसला है, ये सब भी 0.2% तक इम्प्रूव होगा, अच्छा हो जाएगा। बस इस हफ्ते ओवर ईटिंग या बाहर का खाना या मुर्गन खाना खाने से हाईलाइट जो पंप हो रहा है रेड सिग्नल्स के, इसमें मना किया गया है, आप लोग ये मत करना, वरना आपकी तबीयत, स्टमक, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। परेशानियां बहुत ज़्यादा जो आपकी ज़िंदगी में थी, जायदाद या मुकदमात या कानूनी उलझनों की वजह से, वो हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि जितने भी हमारे टॉरस वाले हैं, उनकी ज़िंदगी अब कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाली है। चलो लव परसेंटेज दिखाता हूँ, 51% है। खुश हो इसमें कि नहीं हो? देखो, एंगर आपका 32% है। आप लोगों के लिए रिलेशनशिप जो जा रहा है, वो जा रहा है जनाब 45%। हेल्थ है आपकी 81 है। रूहानियत 22% है आपकी। स्टडी एंड एजुकेशन 52% है। लक आपका साथ देगी 41%। लेडीज एंड जेंटलमैन, टॉरस वालों को जो तस्बीहात पढ़नी है वो है या मोमिन हो या रहमान हो, ये दोनों तस्बीहें आपको पढ़नी है। 12 रोटियां सदके में दे सकते हो आप, शुगर दे सकते हो, बोर्ड फूड दे सकते हो, कैश दे सकते हो, स्काई ब्लू, ग्रीन एंड पिंक, ये वो कलर हैं जो आपके लिए बेस्ट कलर माने जाते हैं। गुड लक हमारे टॉरस वालों को, और वेलकम कहते हैं हमारे प्यारे जेमिनी वालों को। लेकर चलता हूँ आपको सरजमीन मोहब्बत पे, एंजॉय करो। कहीं ऐसा ना हो जाना कि मेरा अक्स चुपके से तेरी आंखों से मिट जाए, तेरी जानिब पलटने का हर एक रास्ता कहीं ना बंद हो जाए, मेरी यादों का हर पंछी तुम्हारे हाथ से निकले फलक आबाद हो जाए, कि फिर बर्बाद हो जाए मेरा दिल अब के सीने में धड़कने से मुकर जाए, अना की सब्ज टहनी को मैं खुद ही तोड़ देता हूं, तुम्हारे वास्ते जाना जिद अपनी छोड़ देता हूं, यही एक ख्वाब बुनना चाहते थे ना, यही जिद थी तुम्हारी कि खुद कहते नहीं थे तुम, फकत मेरी जबां से ही मेरा इकरार सुनना चाहते थे ना, तो लो कहता हूं मेरी जान, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, सुनो जाना मुझे ये एतराफ बरमला है कि मेरी रग रग में खून बनकर तू बहता है, मेरी आंखों में एक ख्वाबे हंसी बनकर तू रहता है, कि मेरे जिस्म का हर एक हिस्सा और सीने की हर एक धड़कन सभी सांसें ये कहते हैं मुझे तुमसे मोहब्बत है, यही सच है, यही सच है, यही सच है। जितने भी जेमिनी वाले हैं वो अधूरी मोहब्बतों का पीछा करना छोड़ दें। आपको जो चीज तकलीफ दे रही है उसके इजहार का वक्त शुरू हो चुका है। सबसे पहले रिलेशन की अगर बात करेंगे तो यस, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसको ओन करना सीखो। यह हफ्ता आप लोगों के ताल्लुकात को मजीद बेहतर बना रहा है, अभी नहीं कुछ अरसा बाद सही, जो भी प्लानिंग है, बट
अपने दिमाग में रब के साथ कमिटमेंट कर लो कि यही मेरा फाइनल डेस्टिनेशन वाला इंसान होगा, ये सोल मेट कॉन्सेप्ट। ये अधूरी गजल, अधूरी आजाद नज्म, ये आप लोगों की रूह को झुंझुड़ने के लिए नहीं थी, ये वो सच है जो आपके लहू में पल रहा है, जो जबान तक नहीं आ रहा है। कुछ रिश्तों को अहमियत देने की कोशिश करो, वो लोग जो शादीशुदा हैं, बहुत फीका हो चुका है आपका वो लव, उसमें इजहार चाहिए, जबरदस्ती का मुसल्लत होना नहीं है। कई रिश्तों में ये होता है कि किसी ने कोई अच्छा लिबास पहना है, आपने हजार दफा देखा है, लेकिन फिर भी आप जब अपने शरीके सफर को ये कहते हो, मर्द हो या औरत फर्क नहीं पड़ता, अरे आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो या लग रही हो, खाना रोज ही खाते हो, लेकिन जब अच्छा लग रहा है खाना खाते हुए, तो अगर जबान से 10 तारीफें कर दोगे तो कुछ ज्यादा नहीं है इंसान का। वो जो एक शाये जोजा आपके अंदर है ना, सिर्फ लेने की तमन्ना करने वाला जोजा, देने वालों में से आ जाओ, क्योंकि आपका मरकरी तो हमेशा सूफियाना रहा है, फकीर रहा है, वो किसी का मोहताज नहीं रहा, हमेशा अपनी गेम खुद बनाई है। मेहरबान रहे हैं लोग आप पे, डेफिनेटली आपको शॉर्टकट में मिलता है, हर चीज आपके हिस्से में प्लेट में सजी हुई आ जाती है, लेकिन ऑलवेज नहीं होता है। बहुत चालाक बनने की जरूरत नहीं होती कि आप किसी को आगे से होके खुल के बोल देते हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तो चालाक और इनोसेंट के बीच में एक बारीक सी लाइन होती है, वो हो जोजा आप बहुत ओवर स्मार्ट या ओवर क्लेवर नहीं हो, लेकिन आपको ढंग नहीं आ रहा है अपने आप को प्रेजेंट करने का। शक्ल अच्छी है, अकल अच्छी है, ये काफी नहीं होता है प्रेजेंटेशन। वो एक जगह पे खाना खाने के लिए गया, वो जो साहब मुझे लेकर गए, उन्होंने कहा जी मेरा फेवरेट ये रेस्टोरेंट है, तो आज आपको यहां खाना खिलाता हूं, जबकि मेहमान से पूछना होता है कि भाई आपने क्या खाना। टोक्यो में था, जापान में, तो एक सुशी सेंटर था बहुत बड़ा टोक्यो की मेन डाउनटाउन में। हमने कहा चलो चले जाते हैं भाई, जिंदगी में सुशी पहले नहीं खाया था, कच्ची मछली है जाहिर उसके अंदर, यू बी स्टफ्ड है, ऐसे करके दिल मेरा खराब होता था सोच के। जब अंदर लेकर गया तो प्लेट में क्या प्रेजेंटेशन थी भाई, मतलब पहले तो टेबल की लोग मोमबत्ती लाइट बहुत अच्छा सा, वो बंदा हो बंदी हो आप डेट समझना शुरू कर दोगे, इतना अच्छा माहौल। तो जो प्लेट आई, सॉस की एक लाइन, दो पत्ते अलग से, ऐवें जिन चीजों को नहीं भी खाना वो भी प्लेट में सजी, तस्वीरें ही ले लेके मर जाए। और जब वो पहली दफा सुशी खाया तो मजे का लगा, और ये तो हमने आई मीन हवा बनाया हुआ, ना 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 अच्छा नहीं, उसके सॉस में जब डिप करके आप खाते हो वंडरफुल, अगर अच्छा बना हुआ कोई अच्छी जगह, तो प्रेजेंटेशन समझ रहे हो, ये सुशी बीच में आई डाल दिया मैंने, प्रेजेंटेशन आपको नहीं आ रही है, सो आप प्रेजेंटेबल बनने की कोशिश करो। चलो आगे आप लोगों के लिए कुछ सरकारी ओहदे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, पक्की जॉब मिलती हुई नजर आ रही है, सरमायाकारी करने में मुनाफा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, बैंक से लोन लेने में कामयाबी नजर आ रही है, इख्तियारात आपको दिए जाएंगे, यानी आपकी पावर चाहे वो जॉब में है चाहे वो बिजनेस में है, आपको इख्तियारात परवरदिगार की तरफ से और मिल जाएंगे, जिससे आप ज्यादा सुपर डुपर हिट होते हुए नजर आ रहे हो। तो आप थोड़ा सा फैसला करना, अगर आप लोगों ने अभी कोई रिश्ता, वो लोग हैं जो रिलेशन में नहीं है, अचानक ही कोई रिश्ता आया, तो उसका फैसला करने से पहले कि दो लोग हैं इनमें से किसके साथ हमारी लॉन्ग टर्म चलेगी। तो स्क्रीन पे फिर से लाइव हो गया वो जो मेरी ईमेल आईडी है, एक ही तरीका है, मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरे पीए का नंबर सेंड किया जाएगा, पे करते हो मीटिंग होती है, और इस मीटिंग के अलावा अगर आप पे कोई जादू है, टोना है, जिन्नात का कोई साया है, या कोई भी आपके घरों में कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों ने कोई हिसार बंदी करवानी है, कोई लॉकेट, कोई ज्वेलरी, कुछ भी ऐसे नक्श या तावीज़ बनवाने हैं, तो आई एम द वन जो पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी लम्हे ट्रैवल कर सकता है, आप कहीं भी बुला सकते हो, जाहिर है उसके टर्म्स एंड कंडीशन चार्जेस अलग होते हैं। और सो वन मोर थिंग, कि अगर आप लोग इस वक्त सिंगापुर में हो या उसके गिर्दो नवाह के किसी और मुल्क में रहते हो, तो मैं 4 डेज के लिए सिंगापुर में हूँ, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग बिल्कुल प्राइवेट मीटिंग कर सकते हो, रब्ता कर सकते हो, और उसके बाद आप मुझसे मिल रहे हो यूके में, यूके में आपसे मुलाकात हो रही है रमज़ान में ही, और रमज़ान से ईद, ईद के बाद तक थोड़े दिन के लिए पूरा यूके है, जिस भी शहर में हो आप अगर मीटिंग करना चाहो, मिलना चाहो, जो भी है उसके लिए भी आप मुझे
पहले से अगर रब्ता करेंगे, पहले से अपॉइंटमेंट ले लोगे, टाइम हो जाएगा डन, वरना वहाँ पहुँच के जी आप थोड़ा सा टाइम दे दें, ऐसा मुमकिन नहीं होता। एंड आफ्टर ईद आप लोग मुझसे मिल रहे हो कैनेडा में और अमेरिका में, वो भी 4 to 5 days का ही एक टूर है। तो आप लोग टोरंटो में हो, मॉन्ट्रियल में हो, कहीं भी हो, तो आपको पहले ही अपॉइंटमेंट लेनी होगी, डन करना होगा किसी भी चीज़ से। मीटिंग ज़रूरी नहीं होती है, आपको बहुत सारे जो मसाइल हैं उनको क्लीन करना है, उसके लिए भी आप कर सकते हो। ओके, बैक टू जेमिनी। जेमिनी एक बात आपको और बता दें कि इस वक्त जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं आपके कवर हो रहे हैं पहली बार, यानी आप अगर ओवरवेट हो तो आप कंट्रोल में आना शुरू हो जाओगे। इनसाइड आपके दिल के मामले, आंखों की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कवर हो रही हैं। अगर आप औलाद वाले हो तो औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, परेशानियां नहीं होंगी। आप लोग अगर मीडिया सोशल मीडिया में हो या ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन आपको जाहिर है क्या करना है उसके लिए पूरी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, पूरा प्लान बनाना पड़ेगा कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना और क्या करना है। बहुत सारे लोग शायद पुराने रिलेशन को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ऑलरेडी डिवोर्स दे रहे हैं, जो शादीशुदा हैं, तो वो चिंगारियाँ जो नए आने वाले रिश्तों की हैं वो अभी से दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको उसके लिए भी सोच समझ के गुफ्तगू करनी होगी। कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन इस हफ्ते ख़ास तौर पर आप पे मैजिक और बुरी नज़र के अटैक हो सकते हैं, इसलिए अपने प्रोफाइल को लो रखना है। अचानक ही किसी के साथ मिलकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अगर कोई आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के बात करना। जायदाद के मामलों में आपका अभी कुछ भी नहीं होगा, डिले में चला जाएगा, लेकिन आगे चल के आपको फायदा होगा। जेमिनी लव परसेंटेज 55% है, जो बहुत मज़ेदार है। एंगर आपका कितना चल रहा है जानते हो, इतना। रिलेशनशिप 81 है, मनी 52 है। आप ये देखो, मैं जरा पानी पकड़ लूं यार, आज पानी नहीं रखा मैंने। ओके, लक आपका साथ दीजिए 54। मेरे रूम में ही जो मेरा एसी है उसको मैंने किधर गया, लक भाई आप इधर से गायब हो जाएं थोड़ी देर के लिए। आपको तस्वीरात बता रहा हूँ, आप खुद ही देख लो, या जब्बार हो या अलीम, और आगे के सबकात भी आप खुद ही देख लो। ओके जी, ये हो गया आपका, तो गुड लक हमारे जेमिनी के लिए। वेलकम करते हैं कैंसेरियन को। कैंसेरियन, आप लोगों की जिंदगी कैसे गुजरने वाली है ये भी आपको बताते हैं। सरतान वालों, एक बात ये याद रखना कि इस पूरे हफ्ते में जो हलचल है ये नॉर्मल रूटीन की नहीं है, आपको थोड़ा बिजी हम देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही बिजी। इसमें आपने अपने खाने पीने का, अपनी बॉडी का, अपने सुकून का, नींद का ज़रूर ख्याल रखना है। गो कि ये जर्नी आपको बहुत दूर लेकर जा रही है। ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, अभी जो भी काम आप करने वाले हो या जिस भी चीज़ से जुड़ने वाले हो, यहाँ से एक नया सफ़र शुरू होगा जो मुख्तलिफ मकामात से ले जाते हुए आपके नाम को, आपके काम को बहुत बढ़ा देगा। जो हमारे मुलाजमत पेशा जितने भी लोग हैं उनको किसी और जगह से ऑफ़र हो सकती है, कहीं और जगह से आपको एक ज़ाहिर है एक सुनहरा पे स्केल दिखा के आपको शायद अपनी तरफ किया जाए, क्योंकि यहाँ जो सितारे हैं इसमें उसका जवाब येस और नो है, तो उसका जवाब अभी नो है, मतलब फौरन आपको बग़ैर हिसाब किताब किए ये नहीं करना। हिसाब किताब से याद आया कि मैंने यहाँ पे अभी ये स्क्रीन पे अपना ईमेल नहीं दिया हुआ। ओके, तो आप लोगों के लिए ये टाइम बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन सोच समझ के फैसले करने होंगे। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करना है आपने इस पूरे हफ्ते में। सवारी ख़रीदनी है या बेचनी है, ज़मीन ख़रीदनी है या बेचनी है, मकान तब्दील करना है या आपने ख़रीदना, ये इन चीज़ों के लिए बड़ा मुबारक रहने वाला है। इलाज मुआलजे के लिए, ख़ास तौर पे आपकी औलाद की सक्सेस के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ है कि जो मियां बीवी के बीच में एक रेड लाइन दिखाई दे रही है वो हिजाब हटाना होगा, क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म कर देती हैं आपके उस रिलेशन को। अलर्ट मोड पर आ गया है कि हो सकता है अचानक ही कोई बड़ी शदीद किस्म की बहस, मुबाहसा और लड़ाई आप लोगों के बीच में फसाद पैदा करें और इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। इसलिए आपने उन चीज़ों को, ननासर को दूर करना है जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं या जो आप लोगों के लिए बड़ा घनौना किस्म का सच लेकर आ रहे हैं। यहाँ एक बात का ख्याल आप लोगों को ज़रूर रखना है कि यहाँ इंतज़ार आपने बहुत किया है रब की तरफ से। स्पिरिचुअली आपका फेथ बहुत है, स्ट्रॉन्ग बहुत हो, तो अब वो जो इनाम मिलने वाला है वो फौरन ही ओपन नहीं कर देना। बहुत होते हैं डिस्क्लोज करके बैठ जाते हैं, कुछ होते हैं कि जो अंदर ही अंदर रखे रहे होते हैं कि चलो अभी बताने की बारी नहीं है, जब होगा तो हम बता देंगे। तो अल्लाह ताला इस पूरे
हफ्ते से जोड़ आए इस पूरे साल को, जिसमें आपके लिए घर, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवल, सेटल होना, शादी होना और कारोबार, जॉब या बिजनेस का बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाना, ये इस हफ्ते से आगाज़ है। क्योंकि 21 मार्च जब गुजर जाती है तो फिर आपको पता है भूसे और ये क्लोज कर रहा है इस मार्च को। जब ये क्लोज कर देगा तो आगे तो आपको पता ही नहीं, हुक्मरानी आप ही की दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से आप एक वंडरफुल जगह पे हो, अब आपको कोई पीछे धकेल नहीं सकेगा। किसी भी महफिल वहफिल में आ जा सकते हो, पार्टी वार्टी जो भी रमज़ान की चल रही है उसमें आना जाना आपका लगा रहेगा। किसी छोटे या बड़े सफ़र के लिए अगर आप ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं करनी चाहिए। मतलब एक होता है कि शहर से बाहर जाना ही जाना है, मजबूरी है काम के सिलसिले में, तो उन लोगों को जो तस्बीहात हैं वो पढ़ के ट्रैवल करना होगा। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो और वो रिश्ता अभी तक लेकर नहीं आया तो आप उसको बोल सकते हो कि रिश्ते को डन करो। रिश्ते वाली अगर सिचुएशन नहीं है किसी ऐसी जगह जिनके कोई है ही नहीं, अनाथ होते हैं बहुत सारे लोग, फिल्मों में ही होते हैं, मैं अनाथ हूँ, फिल्मों में बहुत होता है ना, माँ ना बाप पीछे है ही नहीं वो, मतलब राइटर जो है ना डायरेक्टर के पैसे और प्रोड्यूसर के पैसे बचाने के लिए बंदे का पीछे माँ बाप ही छोड़ देते हैं, है ही नहीं, को अनाथ कर दिया। चलो जी आप, और आप लोगों के लिए ऐसा कोई अनाथ अनाथ लड़की से शादी के लिए अनाथ लड़के, तो आप लोग ख्वाबों की ताबीर आपको बहुत ज़्यादा ये सच्चे वाले जो ख्वाब हैं जो सही नींद में आते हैं ना, आपने सोचा, अलामा इकबाल वाले ख्वाब नहीं, एडे तुसी उन्होंने शहीन हो ही ना जाओ, लेकिन ये वो वाले ख्वाब हैं जो आपको ताबीर बड़ी मुबारक मिलेगी और आपकी परेशानी ख़त्म होगी। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे जो कैंसेरियन हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्कॉलरशिप के साथ साथ आप लोगों के अच्छे नंबरों का आना, किसी एक मुल्क में जाके बस जाना, ये वाली सारी चीज़ें भी मेरे ख्याल से इससे पहले हमने नहीं देखी हैं। तो हमारे प्यारे कैंसेरियन, आप लोगों का लव परसेंटेज अच्छा खासा है, एंगर 43, ये तो उससे भी ज़्यादा है, रिलेशनशिप 74% है, मनी 24, 18, 65, लक 43, लक कितनी है 43%। आप लोगों के लिए जो तस्बीहात हैं वो हैं या मुसव्विर या बासितो, एक दर्जन अंडे आप दे सकते हो किसी भी गरीब को, 3 लोगों को अफ्तारी करा दो, खाना खिला दो, सूजी सूजी का हलवा बना के दे दो, इन कैश दे सकते हो। इसके अलावा क्या देना है आपने ये जानते हो, इसके अलावा आप लोगों को जो मनी है कैश है वो देना है पिंक, ब्राउन एंड वाइट, ये वो कलर हैं जो पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, कैंसेरियन गुड लक, एंड वेलकम करते हैं असद वालों को। यहाँ एक मैसेज मेरी आंखों के सामने से भी गुजरा एक लम्हे के लिए, सिंघार फातिमा, लेकिन सर मेरी एक दोस्त है, इनके घर में एक जिन है, वो क्या कह रहा है, वो जिन क्या करता है भाई, वो को लिखा है आगे, पता नहीं किन को, इनको, उनको, किसकी बात कर रहे हो, को बहुत सारी चीज़ें देता है। अब तो एक मोबाइल लड़के ला के दिया है, वो भी 60,000 का, पर मुझे तो हंसी आती है, मुझे लगता है कि वो मुझे पागल समझते हैं। वंडरफुल, इस मैसेज का तो मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि आपने ये दो चैनल पे हमारा ये जा रहा है, सिमी मैम के चैनल पे भी ये लाइव जा रहा है, मेरे फेसबुक पे भी जा रहा है, और थ्रेड पे भी जा रहा है, और मेरे चैनल पे भी, तो जो सबके मैसेजेस आते हैं तो वो यहाँ नज़र आ जाते हैं। अली थैंक यू वेरी मच, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, यहीं से हमने आपको दिल भेज दिया, $50 आपने सुपर चैट किया है। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके आपकी खुशियाँ आपको दे, आसानियाँ दे, आपने जिस भी मकसद के लिए दिया अल्लाह ताला इसको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर करके आपको लौटाए और कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे। एंड थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में रौनक देने के लिए। अच्छा, आप जो सिंघार फातिमा आपने कहा है कि जो जिन है वो उनको बहुत कुछ देता है, इस पर एक बहुत बड़ा सा क्रॉस लगा दो, ये सब बकवास है, ऐसा कभी भी नहीं होता। जिन्नात किसी चीज़ को ला के फराहम नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा जिन क्यों ना हो। उगना जिन जो होता है ना, उगना एक जिन है, बहुत एक कबीले हैं, उगना है, सफराल है, मुसालिया है, ये बड़े बड़े कबीले हैं जो पहाड़ों को छिक करके ऐसे करके ना चखना चूर कर दें, ये काम वो भी नहीं कर सकते हैं कि मतलब वो मोबाइल ला के देने। अच्छा, अब क्या होता है कि आप पे मेहरबानी, रास्ते बनाते हैं वो,
अगर आपके घर में कुछ जुन्नात हैं बड़े मेहर मोबाइल मतलब वो मोबाइल ला के दे वो मोबाइल जेडे जिन्ने लिया के देता है ना उस जिंदा भी अपना व्हाट्सएप है हमारे घर में जिन है ओ मामा मम्मा देखी वो फोन हो गया हाय मम्मा खाना कहाँ से वो जेड़ा बाहर पीछे माँ का पकौड़ा है ना वो 60,000 के फोन देकर जा रहा है हाउ टू कैच अ जिन मेरे प्रोग्राम्स है मैंने बहुत सारे शोज की वो यकीन करो मैंने एक माचिस दी तीली भी जिन्होंने ले आके दी थी जबकि मैं पकड़ता हूँ मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ मैं भगाता हूँ वो एक अलग दौर था कि जिन मेहरबान हो गए आज की तारीख में कोई साबित कर दे और फिर मैं भी साबित करूंगा तो इसलिए आप छे चिड़िया नहीं हो सिर्फ कहका लगा उनको कहो प्लीज अपने जिन का कहो मैनू 15 Pro Max ले आ दे अगर वो इतना ही मेहरबान है तो मैनू भी ले आया लेते रहो और कि फिर है तो अड्डे जिन वो जिन तो फिर मैं फैमिलीज देख एक सेकंड में जिन कट भी लेता हूँ अल्लाह बेहतर करे बड़े जिन ने ओके गुड था मतलब फनी था बहुत आप भी हंसते रहो इसी तरह क्योंकि ऐसा ही होगा वो बड़े बड़े चीज़ें छुपाना जिन्नात का ये काम होता है आँख ओझल पहाड़ और चूल चीज़ वहीं होती है या हमारे जिन चीज़ें लेके भाग जाते हैं वो नहीं होता है चीज़ वहीं होती है लेकिन उनको एक्सेस दी है कि वो आँख की आँख पे पर्दा डाल देते हैं अरे यहाँ तो 10 दफ़ा देखा नहीं मिला तो ये यहीं पड़ा है वो वहीं होता है ये जिन्नात करते हैं दरवाजे हिलना है आपके घर में कोई बर्तन गिर रहे हैं आहट की आवाज़ है कदमों की चाप है सब कुछ वो करते हैं खून की छींटे हैं तावीज़ किसी का आमिल जो मुक्किलात काबू करते हैं जिन्नात वो आपके घरों में तावीज़ ला के फेंकते हैं घर के बाहर को परिंदे मर जाते ये वाली सारी चीज़ें जिन्नात कर रहे हो तो अंदर 60,000 का मोबाइल ही ले आते मेरे तो वखियाँ दर्द थोड़े जिन दी चैन दी शादी हो जाए तो बहुत अच्छी गल है मतलब मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा जिनकी भी तो बहन होगी ना शबाना सुल्ताना थैंक यू वेरी मच इंडिया से आपने 10,000 rupees यहाँ से भेजे हैं ज़कात आपने लिखा है परवरदिगार कबूल करें मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके कभी आपको कोई दुख ना दे आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे और जिस भी काम में आप उलझे हो परेशान हो उसको कल का सवेरा चढ़ने से पहले ही पूरा कर दें थैंक यू अली वंस अगेन आपने $50 भेजे हैं अल्लाह ताला आप लोगों के लिए अच्छा मेरे घर में भी एक जिन है जिन्नी बल्कि चुड़ैल जिन मैंने चिमड़ी गई वो हर काम करती है वो अभी आएगी देखना मैं उसको कहूंगा बात कर नहीं नहीं आपकी आवाज ही नहीं आएगी इधर तो वो कह रही है वो जिन जो है वो काम करता है चाय बनाता है सब कुछ करता है तो जिन अपना अपना भाई आए जरा लोगों को बताएंगे आप क्या कह रहे हैं और फिर उसके बाद मैं असद वालों की तरफ जाऊंगा आई आई नहीं नहीं छोड़े क्या नहीं नहीं आप बात करें फिर उसके बाद असद वालों अभी लाइव शो में ये होता है कि हम बात करते हैं और आगे मैं नाराज हूँ तो हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है आवाज जा रही है कि नहीं जा रही बिल्कुल बिल्कुल सही जा रही कैसे हैं जी आप सब लोग दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे खुश रहें सलामत रहे आबाद रहें और अल्लाह सबसे पहले तो आप सबको हेटर से बदखाहों से बुरा चाहने वालों से बचाए और शैतान की चालें चलने वालों से बचाए और अल्लाह पाक उन सबको अपनी डाले ताकि वो मेरी और आपकी भूल जाएं आमीन सुम आमीन और रमज़ान कैसा गुजर रहा है जी आई होप के रहमतें बरकतें अल्लाह अच्छा ताला की समेट रहे होंगे और अल्लाह इसी तरह आपके दस्तरखान भी सलामत रखे आबाद रखे और मुश्किलें आसान करे और हमें भी दुआओं में याद रखे करें और कमेंट नहीं करते आप जी उसका एक गिला शिकवा शिकायत है राजा हैदर ड्रामा के में भी जाके कोई कमेंट नहीं करता राजा हैदर ड्रामा नहीं राजा हैदर जिस ड्रामे में काम कर रहे हैं राजा हैदर ड्रामा तो मुझे वो आपके 2.5 लाख लोग किधर है ऐसे ही है तो इसीलिए अब मैंने देखे 2.5 लाख तमाशबीन है दोस्त नहीं है प्यारे नहीं है सारे नहीं है नहीं वो 2.5 की जो बात कर रहे हो ये जो 2.5 अक्षर है ना ये तो प्यार ये असली है जिनके लिए हम शो कर रहे हैं ये इस वक्त जो लेकिन यह है कि आने वाले दिनों में हमने हमने सोचा हमने बहुत बहुत सोचा और हमने आखिरकार ये वाला फैसला किया कि अब हम लाइव शोज नहीं किया आज मेरा लाइव लास्ट है अभी हाँ, हम लास्ट महीना डेढ़ महीना दो महीना शायद लाइव टाइम के लिए लाइव नहीं करेंगे बिल्कुल वो नहीं हम करेंगे हम शुरू के जो बातें होती हैं रूहानी वो हम नहीं करेंगे कोई शायरी नहीं होगी गपशप नहीं होगी सिर्फ आपको रिकॉर्डेड एक एस्ट्रोलॉजी की वीडियो मिला करेगी जो शायद आधा घंटा एक घंटा डेढ़ क्योंकि आप चाहते ही हो वो हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा आपसे हम वही करेंगे
वीडियोस आएंगी, वीडियोस हर हफ्ते आएंगे। नहीं, हमने वो जो पिछले दिनों हमने फ्री में आपके क्वेश्चन आंसर किए थे, फ्री में, आप सोचें कि आप कहां इतनी बड़ी बिग अमाउंट पे करके राजायदर से मीटिंग करते हैं, और कहां हमने एक सेशन रखा दो तीन दफा जिसमें आपको फ्री में बता रहे हैं, बट उसके बावजूद ना कमेंट आते हैं, ना आप सब्सक्राइब दोनों चैनल्स को कर रहे हैं, ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं। तो फिर इसीलिए हमने सोचा कि ठीक है, आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का शो चाहिए तो हम सिर्फ आपको रिकॉर्डेड वो वाला दे देंगे। हाँ, हम कोई और चैनल जरूर बनाएंगे जिसपे हम गपशप लगाएंगे, कोई अपना और शो शुरू करेंगे कुछ। और मेरे ज्यादातर अब आप व्लॉग देखोगे, मैं इस चैनल पे भी व्लॉग होंगे, और मैं दूसरे चैनल का लिंक भी दे दूंगा जो मैं एक अलग से ट्रैवल व्लॉग बना रहा हूँ, और आप लोगों से मुलाकात हो, वो बहुत मालूमात से भरपूर होंगे, वो टाइम ज़ाया नहीं होगा। आप लोग अगर दुनिया में कहीं जाना चाह रहे हो, रहना चाह रहे हो, क्या करना है क्या नहीं, वो सब मैं आपकी हेल्प करूंगा। और ये वाले शोज आप लोग, हाँ कभी कभी बीच में अगर लाइव हमारे पास टाइम होगा तो हम जरूर आएंगे, लेकिन ज्यादातर रिकॉर्डिंग। और अभी जो है वो आने वाले दिनों में राजा हैदर आपको यूके में हर जगह पे मिलेंगे, आप अपनी मीटिंग जो है फिक्स करा सकते हैं, आप यूके इंग्लैंड में कहीं भी रहते हो आप मीटिंग फिक्स करा लें। फिर ना कहना, वो अक्सर ये हो रहा होता है जब सर वीडियो डालते हैं तो आप वापस आ गए, फिर कब आएंगे, तो इसलिए अभी आपको बता रहे हैं कि ये दो चार दिन है, तो आप अपनी मीटिंग फिक्स करा लें। बिल्कुल सही। और बाकी मैं चलूं। और बहुत शुक्रिया। अच्छा, फराज यूसुफ $5 आपने भेजे हैं, सलामत रहिए, सदका कबूल हो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और कोई मुश्किल आपकी जिंदगी में ना दे। बहुत सारे लोग हैं, फर अफजल वालेकुम सलाम, मैविश हैं, रऊफ भाई हैं, और बाकी सब लोग। थैंक यू सो मच। अभी तो हमारी टीम भी पता नहीं दुक गई, थक गई, या पता नहीं क्या वजह हो गई, वो भी ऐसा जितने एक्टिव कोई नहीं होते, पहले दिन की वीडियो देख के कमेंट करते हैं और फिर उसके बाद देखते ही नहीं कमेंट आके, तो हमने सोचा हम भी अब बस थोड़ा सा महदूद हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो देखते हैं फिर उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट क्या निकलेगा, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें लाइव करना है या नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल तो मिलते हैं आपको, ठीक है, तो आती हूँ मैं थोड़ी देर में, तब तक आप मैं असद वालों का, बिल्कुल बिल्कुल असद वाले रेडी हो जाओ, मैंने आपका लोगो इसीलिए गायब कर दिया लोगों कि आप लोग परेशान ना हो, और असद वाले हैं हमारे साथ, और आप लोगों के लिए माला, थैंक यू सरजी, लुकिंग नाइस इन ब्लैक, बहुत शुक्रिया जी, ऑलवेज आई एम वेयरिंग ब्लैक, और जाहिर है जब मुझे कोई चीज सही लग रही होती है तो मैं कहता हूँ, ये वैसे रॉयल ब्लू है, स्क्रीन पे आपको ब्लैक नजर आ रहा है थोड़ा, बहुत डार्क वाला ब्लू है, मिडनाइट ब्लू से भी डार्क। और चल असद वालों, आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ से जो इस वीक आप लोगों की जो शुरुआत हो रही है, इसमें आपकी जितनी भी कुर्बानियाँ हैं, जितनी भी एफर्ट आपने पुट की है, जो भी आप चाह रहे हो, आपकी ख्वाहिशात, उसकी तकमील होने का वक्त शुरू हो चुका है। तो यहाँ अब आप अपने आप को बैलेंस कैसे करोगे? देखो, एक तो बहुत बिजी है ये हफ्ता, नॉर्मल हफ्तों की नस्बत आपका आना जाना, मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि इस हफ्ते से जुड़ी हैं आगे आप लोगों के रिलेशन के साथ, चाहे वो औलाद का रिलेशन है, मियाँ बीवी का ताल्लुक है, दोस्त हैं, बहन भाई का ताल्लुक है, उनके साथ जितनी भी वाबस्तगियां हैं या जुड़े हुए काम हैं, उनमें आपका बिजी होना दिखाई दे रहा। इख्तियारात मिल जाएंगे उन लोगों को जो जॉब करते हैं, यानी आपको अच्छा ओहदा मिलना, आप लोगों की अच्छी जॉब का मिल जाना, ये अनोखे मौके कभी कभी मिलते हैं, तो असद वालों के लिए जो रोजगार की तंगी दिखाई दे रही थी वो अभी साजगार हालात में हो जाएगा। एक्स्ट्रा बोनसेस दिखाई दे रहे हैं, यानी अब आपके लिए वो वाले हालात नहीं होंगे कि हैंड टू माउथ हो जाओगे आप, आपको अपने सोर्सेस को फैलाना है, यानी सही दिशा में कैसे जाना है, आप किसी से मशावरत करने के बाद वो फैसला करो, अगर आप पार्टनरशिप पे जा रहे हो तो उसका भी मैच कराना होगा। स्क्रीन पर लिखा है theraja@hotmail.com, तो आप लोग पूरा मशवरा लेने के बाद ही कोई काम करना। एक बात का ख्याल रखना होगा आप लोगों को कि जो जो चीज़ लोग तलाश कर रहे हैं किसी किसी जगह पे, होता क्या है कि आप लोगों ने फर्ज करो मकान की तलाश शुरू की है, वीज़ा नहीं मिल रहा है, किसी और मुल्क में जाना है, ये आपकी तलाश है, तो ये वो वाली चीज़ें हैं जिसमें आपको कामयाबी होगी। आप लोगों को इस हफ्ते से एक अजर मिलना शुरू हो जाएगा परवरदिगार की तरफ से, क्योंकि स्पिरिचुअली आप बहुत स्ट्रांग हो, आपका वो जो सोल है बड़ा प्योर है, तो रूहानी तौर पे आप जितने भी ज़्यादा दुआ वगैरह वो कर रहे हो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब प्रैक्टिकली कुछ एफर्ट पुट करनी है जो भी आप चाहते हो। देखो, मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री से हो जहाँ पर आप चाहते हो कि आपको जाना जाए, चाहा जाए, तो वो वाले लोग तो बहुत सेफ़ हैं,
उन लोगों के लिए बहुत फायदे वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं, स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है या डॉलर्स में, ये अगर शॉर्ट टर्म खेलना चाह रहे हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। परसेंटेज 62% से ज़्यादा अपनी सेविंग नहीं लगानी। कोई कोर्स वगैरह करना है, बैंक से लोन लेना है या कोई बैंक अकाउंट खुलवाना है या कानूनी कोई कार्रवाई करनी है, जो भी पेपर वर्क होता है, तो इसमें भी आसानियां दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। किसी एक मुल्क में, मतलब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कामयाबी नहीं है, तो थोड़े से महीने आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा, कामयाबियाँ आपको वहीं नज़र आना शुरू हो जाएंगी। बट एक बात याद रखना कि अगर आप शादीशुदा हो तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड टाइम हो सकता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। सिर्फ 5 नंबर्स डिफरेंट डेट्स हैं जिन लोगों के ऊपर ऊपर ये तारीखें आ रही हैं, और वो भी अगर आप 27 जुलाई में पैदा हुए हो, 29 जुलाई को पैदा हुए हो, 2 अगस्त को पैदा हुए हो, 7 अगस्त या 9 अगस्त को पैदा हुए, तो आप लोगों को थोड़ा अपने अपने शरीक सफ़र के साथ मामलात को बेहतर करना है। वरना ये होता है कि अचानक ही ख़त्म हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आपकी बेसुकूनी कहीं कहीं दिखाई दे रही है। डेट्स इसीलिए बता दी हैं ताकि बाकी सब लोग परेशान ना हों। आप लोगों के लिए ज़ाहिर ख्वाबों का एक सिलसिला जिसमें परवरदिगार आपके लिए आसानियां पैदा करेगा, और कुछ लोग शायद इम्तहान वाली सिचुएशन बन के आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ये थोड़ा सा टफ टाइम होता है, चाहे वो दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी है, खून का रिश्ता है, वो आपको लगेगा कि ये कड़वा इम्तहान है, ये हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए बेहतर जो मशवरे देने वाले लोग हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हो, इस्तखारा कर सकते हो, उसके बाद ही फिर आपने उस रिज़ल्ट की तरफ जाना है। तो शोहरत हो, मुकदमात हो, या आपकी आगे ट्रैवलिंग, इसके लिए इस हफ्ते को हम सुपर डुपर हफ्ता मानते हैं। तो असद वालों, आप लोगों के लिए जो परसेंटेज ऑफ लव है वो देख लिया आपने, एंगर है 35, आप लोगों के लिए रिलेशनशिप 83, मनी 41, हेल्थ 77, रूहानियत 23%, और स्टडी एंड एजुकेशन कितनी है आप लोगों की, इतनी, और लक है 48%। बहुत अच्छा है ये लक वाला। तस्बीहात जो आप लोगों को पढ़नी है वो है या राफे हो या बसीर हो, बेसन सदके में दे सकते हो, 5 फल दे सकते हो, गोट हेड बकरे किसी भी जानवरों पर, हिंदू इंसानों को दे देना, कैश दे सकते हो। कलर ऑफ द वीक है रेड, ब्लैक एंड पर्पल, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। हमारी बहुत सारी दुआएं असद वालों के साथ, और अब बारी है वर्गो की। वर्गो वेलकम आप लोगों को करते हैं, लेकर जा रहे हैं किसी किसी स्टार के लिए किस्मत में आएगा सरजमीन मोहब्बत, एंजॉय कीजिए। पलट आओ के ख्वाबों की जमीनों पर, किसी दुनिया का शहजादा, कई किरणों कई सदियों से तेरी याद की छांव में बैठा है, उसे अज़ने हुजूरी दो कि उसकी मुंजमद बर्फाब आंखों में खुशी की तितलियां उतरें। पलटा कि अब भी शहर की गलियां तुम्हारे पांव की हिद्दत पे मरती हैं, बस तुम्हें आवाज देती हैं, दिए हर आने वाले से तुम्हारा पूछते हैं, और दरवाजे तुम्हारी आहटों में गुम, मगर तुम दूरियों के शहर में भी दूर बैठे हो, जहां आवाज भी जाने से डरती है। पलटाओ कि अब भी रास्ते उम्मीद की खुशबू से महके हैं, कि तन्हाई हमारी रूह के साहिल पे जब बैन करती है, तुम्हारा नाम लेती है, हवा जब गुनगुनाती है तो उसकी सुरमई होंठों में तेरे दर्द में डूबे हुए लम्हों की कुछ बोर उठती है। पलट आओगे अब हम देवताओं की तरह खामोश रह रहकर तुम्हारे हिजर का आजार सह सह कर, बहुत ही थक चुके हैं, बहुत ही थक चुके हैं, हमें अब नींद के लंबे सफर पर लौट जाना है, जहां हमने जमाने की निगाहों से परे और ही मंजर बसाना है। पलटाओ कि ये लम्हे हमारे मांस खाने पर तुले, जिंदगी बारूद बनकर जिस्मों जहां मैं तोड़ती है,
आंख पथराई हुई है, हाथ शल हैं और हम पे मौत सी छाई हुई है। पलट आऊं कि दिल की धड़कनें अब भी तुम्हारे नाम की तस्बीह सुबह और शाम पढ़ते हैं। पलट आओ, पलट ही तो नहीं आ रहे हैं वो लोग जो जिंदगी का इम्तहान बन के आपके सामने खड़े हैं। वर्गो आप लोगों की जिंदगी कुछ अजीब सी करवटें ले रही है। इस हफ्ते आप उस इम्तहान की कैफियत में रहने वाले हो। सो इम्तहान समझते हो, ये कड़वाहट का नहीं है, ये वो इम्तहान है जहां से एक नया दौर शुरू होगा। आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। थोड़े से इमोशनली अटैच्ड जिन चीजों या रिश्तों के साथ हो उनमें फासले और दूरी दिखाई दे रहे हैं। सो बहुत सोच समझ के आपको प्लान करना। वो फैसले जो कई बरसों से कई महीनों से आप लोग तलखी के तौर पे सोचे जा रहे हो, उसमें चाशनी आ जाएगी, मिठास आ जाएगा, बेहतरी आ जाएगी। दो चीजों को, अपने काम और इमोशंस दोनों को थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा। एक जुनूनी कैफियत जो आपके सामने है अंदर, उसको थोड़ा सा सब्र देना है। मरकरी ऐसा नहीं है, उसमें मैग्नेट पावर इतनी दिखाई दे रही है कि अब आप जहां खड़े होगे आप खींचोगे पैसे को, रिलेशंस को, वो जो एक हेल्थ की अच्छी बूम बूस्टिंग होती है उसको खींचोगे। आप एक आर्ट से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स में हो, एजेंसियों में हो, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी महकमे में काम करते हो, आप लोगों की पांचों उंगलियां घी में होने वाली है। बट इसके अलग अलग हिस्से करने हैं, क्यों, सारी चीजों को अगर आपने मिक्स कर लिया तो सुकून भी खो जाएगा और आप कंफर्ट जोन में रहोगे नहीं। मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हो, वीजा इमिग्रेशन की को बात करना चाह रहे हो, तो वीजा इमिग्रेशन बड़ी आसानी से आपके हिस्से में टहलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जितने भी मसरूफ हो जाओ, आपको अगर कोई कोर्स करना है, एजुकेशन हासिल करनी है या किसी सही जगह पर जाना है, तो आप लोगों के लिए टाइम बड़ा गोल्डन है। स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर अच्छा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, वीज़ा मिल रहा है, सो और क्या चाहिए। और जीने के लिए आप लोगों के लिए अगर सामान रिहाइश नहीं हो रहा, मकान है आपका बदलना चाह रहे हो, ज़मीन जायदाद है उसको सेल करना चाह रहे हो, सवारी बेचना है ख़रीदना चाह रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा टाइम है। यहाँ से आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे टाइम शुरू हो रहे हैं। मेरा मशवरा आपको यही है कि अगर आपको कोई एक रिश्ता, उन बहन भाइयों के लिए जिनकी शादियाँ नहीं हुई, आप लोगों के लिए अगर कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है तो फौरी तौर पे मैच करवाने के बाद डन कर देना। कोई लंबी चौड़ी तारीखें मत रखना, वरना आगे और डिले में और डिले बहुत ज़्यादा चलता हुआ दिखाई देगा। ख्वाबों के ज़रिए परवरदिगार बहुत सारी मालूमात आपको देगा। आने वाले वक्त के लिए आसानियाँ दिखाई दे रही हैं। सुमला वाले अपने इर्द गिर्द जितने भी मसाइल देख रहे हैं उसमें फतेहयाबी के लिए तैयार हो जाओ, यानी विनिंग पोजिशन पर हो। हो सकता है कुछ लोग आपको इस्तेमाल करने का सोच रहे हो, जो कि बहुत जल्दी आपके सामने खुल के सामने आ जाएंगे। उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करना। रिलेशनशिप और मोहब्बत के मामला, जिनकी शादियां नहीं हुई मोहब्बत में, इनकी शादियां हो गई वो रिलेशनशिप में, और यहाँ आपके दोस्त सहेलियां या करीबी जो रिश्ते हैं उनमें भी एक बहुत बड़ा सा बूस्ट देखोगे आप। यानी ये मोहब्बत, ये रिलेशन जहाँ पर खटाई थी, जहाँ पर टूट फूट थी, बहुत सारे नुकसान थे, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और दुरुस्त सिमत में जाएंगे, खराबियां दूर हो जाएंगी। और आप लोगों के लिए दो चीज़ें और हैं। फर्स्ट करो, सफरी मालूमात आपको नहीं है किसी मुल्क में जाने की, तो आपको पहले वो काम करने होंगे, वरना बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट देना है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो आपको जल्द से जल्द ये काम करना होगा, क्योंकि इसके लिए भी आपके पास टाइम बड़ा कम है। मोहब्बत के लिए लव परसेंटेज 75% है, लेकिन एंगर भी कम नहीं है मेरे अजीज़ो, एंगर भी बहुत ज़्यादा है। तो रिलेशनशिप है 89, लव है 65, आप लोगों के लिए हेल्थ है 71, रूहानियत 26%, स्टडी एंड एजुकेशन 51%, और लक आपका साथ देने वाली है 69%। जो तस्बीहात आप लोगों को पढ़नी है वर्गो, वो है या लतीफ़ो या शकूरो। आप लोग दाल माश सदके में दे सकते हो, बाजरा दे सकते हो, गुड़, स्वीट, चॉकलेट, टॉफीज बच्चों को किसी को भी दे सकते हो सदके में, एंड कैश भी दे सकते हो। कलर ऑफ द वीक है ग्रे, येलो एंड वाइट, जो पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। और एंड थैंक यू वेरी मच वर्गो, एंड वेलकम कहते हैं लिब्रा। लिब्रा ना घबरा, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी बहुत ही आसान होने वाली है। आप लोगों की जिंदगी में जितने भी माली मुश्किलात हैं वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। लिब्रा, पहले तो आप लोग एक मैप बना लो कि करना क्या चाह रहे हो,
रूटीन में लकीर के फकीर बन के रह गए हो। आपको शोहरत चाहिए, काफ़ी है, या मजीद ऊपर जाने का सोचना है? आपको दौलत चाहिए, काफ़ी है जितना कमा लिया, या मजीद ऊपर जाने का सोचना? ये प्लानिंग का वीक है। इसमें अगर आप लोगों ने सही लोगों को अपने साथ जोड़ लिया तो आप रुक नहीं पाओगे। हमेशा कामयाबी कैसे मिलती है आपको पता? हम लोग हमेशा ये करते हैं कि जो फेलियर का शिकार है उन लोगों को साथ साथ मिला रहे होते हैं जो ऑलरेडी टूटे हुए हैं, जो आपको कभी हौसला नहीं देंगे। वो कहेंगे अरे अगर ये हो गया, अगर ये हो, ये जो अगर है ना लफ्ज़ मरवा देता है। ये हो जाएगा, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो दुनिया में हर चीज़ की है ना, दूध की नहरें भी तो निकली हैं। स्पिरिचुअली आपका बिलीव अगर स्ट्रांग है और आपको अपने काम पर भरोसा है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर यही काफ़ी है तो इट्स ओके, ठीक है, ये जो मौके मिल रहे हैं निकल जाएंगे। तो अभी आपको सही लोगों को समझो, सही लोग वो आपसे जो नीचे है ना। फर्ज करो आप आर्ट से रिलेटेड कोई काम करते हो, आप एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, सिंगर हो, कोई भी हो, मैं एक मिसाल के तौर पे यहाँ किसी भी पेशे में हो। अब आपके नीचे कौन है? आपके मेकअप आर्टिस्ट होंगे या आपके एम्प्लॉय होंगे जिन्होंने आपकी पानी की बोतल पकड़ी, बाजी अरे बाजू बहुत अच्छी लग रही, बाजी ने कुछ और दे दिया, अरे बाजू आप जैसा तो कोई है नहीं, क्योंकि आप पगार दे रहे हो यार, आप साथ हो यार, आप उनके वेल विशर हो, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। बट ये हकीकत नहीं है, ये कामयाबी नहीं है, कामयाबी इससे बहुत ऊपर है। जब आपसे कुछ 10 times ऊपर वाला आपको हार्ड टाइम दे रहा हो और आप उसके कंपटीटर हो, ये है कामयाबी। वो डर रहा है आपसे कि यार ये बंदा ये बंदी अगर मेरे सामने आ गया तो क्या होगा, रोजी तो उतनी मिलनी है ना आपको जितनी आपके नसीब में परवरदिगार ने लिख दी है, तो भाई डर कैसा, खेलो कूदो, आसमान बहुत बड़ा है, फ्लाई करो, लेकिन किसी को रोंद के नहीं, किसी की दिल आजारी करके नहीं। बहुत सारे लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, हमने तो कामयाब होना है जी, ये तो हमारा हक है, हक है, व्हाट द हक, दूसरों को रोंद के उनकी जो सपनों के महल हैं उसके ऊपर आप अपनी इमारतें बनाओगे, ये कामयाबियां नहीं होती। समझ रहे हो उस पॉइंट को जो मैं बहुत खुल के नहीं बोल रहा हूं? तो मीजान वालों, आप दुनिया के बेहतरीन लोगों में होते हो, आप सिर्फ टिश्यू नहीं हो कि कोई भी आएगा पहुंचा और चला गया, आपको अपनी वर्थ को समझना है। ये उन लोगों के लिए जो किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं, नाम बना रहे हैं, बाकी किसी भी मीजान के लिए ये गुफ्तगू नहीं है। वो जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप का मिलना बहुत आसान हो जाएगा, अच्छे नंबरों में पास होना, जिन लोगों ने रिपीट में एग्जाम या पेपर सैपली आ गई थी वो देने, उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है, को कोर्स करना चाहो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बस ये याद रखना कि जो भी ख्वाब आ रहे हैं उनकी ताबीरों का पता होना बड़ा ज़रूरी है, उस हिसाब से आपको सदका या पढ़ाई जो करनी है वो करो। इस पूरे हफ्ते में 3 times मंडे, सैटरडे और संडे, यानी शुरू का और आखिरी 2 दिन, ये जादू टोने और बुरी नज़र के काफ़ी सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई आपका रकीब है, कोई दुश्मन है, तो इन तारीखों में अगर कुछ भी पड़ेगा तो आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, इसलिए अपनी हिसारबंदी करवा लो, दैट्स कूल ना। और आप पहले से ही अगर एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हो गए तो फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे हफ्ते में जाहिर है जो क्लोज़ हो रहा है पूरा महीना, यहाँ से आगे शुरुआत हो रही है बहुत सारी अच्छी चीज़ों की, आप लोगों के लिए आसानियाँ दिखाई देंगी, आपका मिजाज जो है वो जैसा भी है अब आप खुद उसमें चेंज महसूस करोगे, कम गुफ्तगू ज़्यादा स्टाइल। तो यहाँ शोहरत और इज़्ज़त वाले लोगों की 5 उंगलियाँ घी में हैं, आप लोगों का नया एक दौर शुरू हो जाएगा, मकानों को तब्दील वब्दील करना है तो आपके लिए अच्छा टाइम है, स्टूडेंट हो तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ सुकून तलाश करना है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए जो मुलाजमत पेशा है वो नई जगहों पर जाके जॉब करते, नौकरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्या टाइम होने वाला है, कैसा रहेगा लिब्रा लव, देख लो, लव है आप लोगों के लिए 64, एंगर है 32%, रिलेशनशिप 75, मनी 61, हेल्थ है 77%, स्पिरिचुअलिटी 19%, स्टडी एंड एजुकेशन 59, लक आपका साथ दे रही है 57%। ये बहुत बड़ी परसेंटेज होती है और आप लोगों के लिए लिब्रा या कबीर हो या मुकीत हो, ये तस्बियां हैं, मीट गोश्त जानवरों परिंदों इंसानों को सदके में दे दो, आटा दे दो, 4 लोगों को खाना दे दो एंड कैश दे दो। कलर ऑफ द वीक है ब्राउन, पिंक एंड ब्लू, ये वो कलर हैं जो आप पहनोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक हमारे लिब्रास के लिए और वेलकम कहते हैं द सुपर स्कॉर्पियोज के लिए।
स्कॉर्पियो वाले बहुत खुश नसीब हैं, जिनकी जिंदगी में काफी कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो स्कॉर्पियो क्या सोचते हो आप कि आपके जिंदगी में क्या होने वाला है, कुछ पता है आपको या सिर्फ ऐवें ही हाथ चलाए जा रहे हो? मैं थोड़ा सा आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा और स्कॉर्पियो के लिए थोड़ा सा सरजमीन मोहब्बत का तड़का भी लगा लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा शिकायत करते हैं जी हमारे लिए कुछ नहीं होता। अभी है और बाद में भी होगा। मैं जब भी डूब के लिखता हूं, सब लोग ये मुझसे कहते हैं तुम्हारी नज्मों से इश्क खुदा जैसा, गजलों में कैफ उदासी का किस दोस्त ने तुमको सौंपा है। मेरा एक जवाब हमेशा से एक शख्स जो शहर में आया था, कुछ रोज वो मेरे साथ रहा, मेरे लहजे के अमृत रस में उसने कुछ ऐसा रंग दिया, हर नाजुक दिल मौलेने का मेरे लफ्जों को आहंग दिया, फिर सोचने ताने बाने में उलझा के मुझको छोड़ दिया। कुछ दिन से उसी की याद यूं ही इस दिल पे दस्तक देती रही, और पांव में जंजीर पड़ी कब हमको जाने देती है, कब दिल में उसकी आस नहीं ये बात अलग, वो पास नहीं ये बात अलग, वो पास नहीं। आपके अधूरे अल्फाज, आपकी अधूरी ख्वाहिशें मुकम्मल होने का वक्त, जो पास नहीं है, जो चला गया मुझे छोड़ के, वही आज तक मेरे पास है। ये जो एक दिल का मामला है ना, उन लोगों के लिए जो अभी तक उलझ के रह गए हैं अपने इश्क की बिसात में, जाल में, आप उसी रेत में उंगलियां फेरे जा रहे हो कि शायद उसकी तस्वीर बन जाए और उसमें जान आ जाए। हमने तो यूं ही राख पे फेरी थी उंगलियां, देखा जो गौर से तेरी तस्वीर बन गई। तो आप जहन में रखते हो या नहीं रखते हो, लेकिन आपके दिमाग में जो एक रिलेशन को लेके गेम ऑन है ना बॉस, उसका वाइंड अप करो, हाँ या ना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो आप लोगों के लिए आसानी दिखाई दे रही है, ये सब नो के बीच की गेम। पहले फाइनेंस की बात करते हैं, इसको बाद में कनेक्ट करेंगे। आप लोगों के फाइनेंस जो ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं थे, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार है। कहीं से तनख्वाह का बढ़ता हुआ रुझान, आप लोगों का पैसा, कहीं से आमदनी, रुके हुए चेक, ये जहाँ पे भी आपके इन्वेस्टमेंट है वहाँ से आपका एक अच्छा सा बोनस मिल जाना, ये इस हफ्ते की शुरुआत है। आगे देखते जाओ अब क्या होना है, बहुत बढ़िया है। किसी के साथ अगर जॉब करना चाह रहे हो, मिलके बिजनेस करना चाह रहे हो, कोई भी ऐसा काम जो जॉइंट वेंचर में हो, तो उसके लिए हिसाब लगाना जरूरी है, वरना रास्ता काफ़ी दुश्वार हो सकता है आप लोगों के लिए। वो हमारे बहन भाई जिनके यहाँ औलाद नहीं है, वो लोग ये चाहते हैं कि रब की तरफ से हमें कोई औलाद मिल जाए, तो ये पूरा हफ्ता 5 डेज खासतौर पर मंडे से फ्राइडे तक कंसीव करने के लिए सारे प्लानट आपका साथ देंगे, और बहुत जल्दी ये खुशखबरी होगी कि आपके आंगन में बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी। और आप लोगों के लिए उम्मीद से ज़्यादा किसी चीज़ को कि बहुत ये 100% श्योर हूँ कि ये रिश्ता हमारे लिए बड़ा मुबारक है, उसके लिए भी मैच का कराना बड़ा ज़रूरी है। वो हमारी बहन भाई जिनके रिश्ते नहीं हैं, अभी तक कोई बात डन नहीं हुई, इस हफ्ते ओपनिंग हो रही है कुछ सितारों की, जो आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए ऐसे प्लान बनाएंगे कि चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगी। कारोबारी लेन देन में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, वरना कानूनी उलझने कहीं कहीं दस्तक दे रही हैं। सवारी पे पैसा लगाना या ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख, ये आपके लिए मुबारक रह सकती है। मकान की तब्दीली, औलाद को किसी जगह पे सेटल करना, एजुकेशन है, शादी है, जॉब है, कोई भी मामला है, वो भी आपके लिए बड़ा कारामद हो मुबारक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अचानक किसी से मेल मिलाप, मुलाकात आपकी ज़िंदगी पर गहरे असरात डाल सकती है। किसी भी अफ्तार पार्टी पे आना जाना, या किसी की बर्थडे पार्टी, शादी निकाह तकरीबात में आना जाना, कोशिश करना कि कम से कम अपने आप को पब्लिक प्लेस पे रखो, बहुत कम, क्योंकि आप किसी और की साजिश
का निशाना हो सकते हो, यानी आपने कुछ किया नहीं, आपने सिर्फ वहाँ पे बैठे होना है या साथ देना है और बदनाम आप हो जाओगे। तो ऐसी महफिलों में जहाँ पे थोड़ा सा भी इज्जत वाला मामला ख़राब हो रहा है, वहाँ से अपने आप को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा आप लोगों को। हारमोन्स जिनके डिसेबल थे, अकरब वाले जितने भी हमारी बहनें हैं, वो एक्टिव हो रहे हैं, वो उस मसाइल से निकल आओगे। हेयर फॉल, आई साइट का प्रॉब्लम, स्किन डिजीज़, या फिर बहुत ज़्यादा जो आपको हड्डियों का प्रॉब्लम रहता है उसमें भी 13.7%, ये बड़ा परसेंटेज होता है, स्टार्स एनर्जी देंगे और ये खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। मैं थोड़ा सा परहेज़ वगैरह जो भी आप करते हो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करते रहो। मुकदमा वगैरह करना है तो उसमें कामयाबी आपका हिस्सा ज़रूर है, लेकिन सोच समझ के मुकदमा करना होगा। तालीमी सरगर्मियों के लिए मुल्क से बाहर जाना या फिर किसी बिजनेस के लिए, जॉब के लिए या मुस्तकिल रिहाइश के लिए जाना आप लोगों के लिए मुबारक रहेगा, लेकिन जितनी जल्दी हो आप लोगों को ये काम करना होगा। डिले करोगे तो पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओ। ये गाना गा रहा हूँ, आप नहीं इतना पछताओगे, इतना पछताने की जरूरत नहीं है। स्कॉर्पियो वालों, परसेंटेज ऑफ लव 51%, आप लोगों के लिए एंगर है 41, रिलेशनशिप 82% रहने वाले हैं, मनी 59 है। ये कैंडीज तो खा जाऊं मैं, मनी वाली। हेल्थ 73, ये नहीं खाना है मुझे। अब 14% है रूहानियत, स्टडी एंड एजुकेशन 51%, अल्लाह का आपका साथ देगी 45%, और ये है हमारा जाहिर है परसेंटेज ऑफ स्कॉर्पियो का सब कुछ। और तस्बीहात क्या है, या जलीलो या रकीबो, आप लोगों को ये तस्बीहां पढ़नी है। राइस कुकिंग ऑयल, घी, मक्खन, कोई भी चीज़ किसी गरीब को दे सकते हो, बर्ड फूड दे सकते हो, आप कैश दे सकते हो, डार्क ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे ये भी आप दे सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए है जो के हैं स्कॉर्पियो वाले। वेलकम कहते हैं सजिटेरियस का, और आईडी दिखाते हैं आपको सिमी मैम की, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं, ये देखो। बहुत शुक्रिया लेडीज जेंटलमैन, और आज जिन जिन की सालगिरह है उनको भी मुबारक हो, क्योंकि आप लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हो कि जिस पूरे हफ्ते में कभी भी आप पैदा हुए हो या होने वाले हो, देखो कैसी बात है, जो होने वाले हैं वो भी हमारा शो देखेंगे, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Happy birthday to you. Happy birthday to you. केक इतना मज़े का केक दिखाई दे रहा है, मतलब अगर तो ये वो वाला केक है जो नॉर्मली होता है, 3 milk cake जो होता है, तो फिर तो बहुत मज़े का। और ये सादा है, तो चलो सादा तो आज तक कोई भी नहीं, सादियाँ तो कुड़ियाँ भी नहीं मिलती केक कैसे मिल जाएगा, तो ये उन लोगों के लिए। और जितने भी लोग हैं इस वक्त जो हमें देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये खास प्रोग्राम, खास हिस्सा। और अभी सजिटेरियस की बारी है, और सजिटेरियस आपको लेकर जा रहे हैं हम सरजमीन मोहब्बत पे। तुम नहीं हो तो ऐसा लगता है जैसे वीरान हो राह गुजरे हयात, जैसे ख्वाबों के रंग फीके हों, जैसे लफ्जों से मौत रिश्ती हो,
जैसे सांसों के तार बिखरे हों, जैसे नोहा को ना हो सुबह चमन, तुम नहीं हो तो ऐसा लगता है। जैसे खुशबू नहीं हो कलियों में, जैसे सुना पड़ा हो शहरे दिल, जैसे कुछ भी नहीं हो गलियों में, जैसे खुशियों से दुश्मनी हो जाए, जैसे जज्बों से आशनाई ना हो, जैसे इस उम्र की मुसाफत पर बात कुछ भी समझ ना आई हो, जैसे चुपचाप हो आरजू के शजर, जैसे रुक रुक के सांस चलती हो, जैसे बेनाम हो दुआ का सफर, जैसे किस्तों में उम्र कटती हो, जैसे खौफ के जजीरे में कोई आवाज दे के छुप जाए, जैसे हंसते हुए अचानक ही गम की परवाह से आंख भर आए, तुम नहीं हो तो ऐसा लगता है, तुम नहीं हो तो कैसा लगता है, ऐसा लगे या कैसा लगे, इस जंग का हिस्सा तो आप बन चुके हो। सजिटेरियस, ये जितनी भी कैफियत है आपकी, इसको बोलना है, वजूद में रखना नहीं है। हम लोग आजकल मोहब्बत के इजहार के लिए अपने दो अंगूठों को तकलीफ देते हैं कि बस फोन पकड़ा और दो अंगूठों से आपने मोहब्बत के इजहार किए। ये फीके अल्फाज आपके मोहब्बत नहीं है, ये मुर्दा लफ्ज है। इजहार के लिए आवाज की जरूरत होती है। मजबूरन बहुत सारे लोग लिख के एक दूसरे को बर्थडे मैसेज, मदर डे, फादर डे, इस टाइप की बहुत सारी चीजें भी कर रहे होते हैं, लव यू भी कर रहे होते हैं, गुजारे के लिए ठीक है। पर जब आपका साउंड और फिर आपकी तस्वीर या बिल मुशाफा मिलके कुछ और, ये है जिंदगी, जिस चीज की छुअन ही फील ना हो, सेंसेशन कृपी नहीं है लाइफ में। आपको ये मौका परवरदिगार दे रहा, यहां से एक्टिव हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप, वो लोग जिनकी शादियां नहीं हुई है, जो दूसरी तीसरी चौथी बार भी चव्वल मारना चाह रहे हैं, उन लोगों का ये मामला अब दुरुस्त हो जाएगा। अब बेहतर है, जाहिर है आप लोग नए खानदान, नए आउट ऑफ फैमिली रिलेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। टर्म्स एंड कंडीशन आपने खुद तय करनी होंगी, क्योंकि यहाँ एक्सपायरी डेट नहीं होते निकाह नामे पे, ठीक है। तो आप लोगों के मामलात रिलेशनशिप के अगर अदालतों तक पहुंच चुके हैं तो वो खत्म हो जाएंगे, यानी तलाक नहीं होगी, मामला खत्म हो जाएगा, अंडर द टेबल डील हो जाएगी। और अगर आप काम की तलाश में मुझसे बाहर जा रहे हो तो आप लोगों के लिए आसानियां, खैर और मुबारक दिखाई दे रही हैं। साथ है उन लोगों के लिए जिनके वीजे अभी तक नहीं लगे, वीजा लगता हुआ दिखाई दे रहा, तो जल्द से जल्द अगर पेपर जमा नहीं करवाए तो करवा दो। आपके सपने जो हैं वो हकीकत का रूप लेने लगे हैं, आपकी नई तलाश जो है वो कामयाबी दिखाई दे रही है। देखो यार, गुफ्तगू जहाँ भी करो सोच समझ के करना इस हफ्ते में, वरना बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो। नज़र तो बुरी लगेगी बुध को, जुमे को और हफ्ते को, ये तीन दिन ऐसे हैं, कहीं आना जाना हुआ तो बुरी नज़र आपको छोड़ेगी नहीं, लेकिन आप लोगों को अपने अल्फाज पे काबू करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जो भी कुछ सोचा है उन स्टूडेंट्स ने कि हमने फ्यूचर में ये पढ़ना है, ये करना है, उन सब्जेक्ट पर ही फोकस करो। आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और मुल्क से बाहर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अच्छे एडमिशन के साथ किसी अच्छी जॉब में जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। हो सकता है किसी पुराने ताल्लुक का रब्ता हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर पुराने ताल्लुक का मजाक बन के रह जाओगे, उस रिलेशन को दोबारा मौका देने का मतलब दोबारा गोली मारो, पहली गोली से बच गया या बच गई थी मैं, सो हैंड्स अप, शट अप, मार देना, नहीं सोच समझ के मारना, इधर ना मार देना कि बंदे का ऑमलेट बनाना ही मुश्किल हो जाए ना। तो आप अब जिस तेजी से सफर कर रहे हो, नौकरी पेशा अगर हो तो आप लोगों का पे स्केल का बढ़ना या किसी और इदारे में जाके काम करना एक बहुत आसान टास्क है, इतनी ज्यादा अब आपको तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको अपने बढ़ते हुए वेट और स्किन का, क्योंकि बहुत सारी परेशानी जो है, बहुत सारी चीज़ें स्किन की जो खराबियां होती हैं वो स्ट्रेस से होती हैं, चेहरे पर छाइयाँ पड़ गई, अरे कैसे हार्मोन डिसेबल हो गए, हार्मोन नहीं, आपके दिमाग के हार्मोन्स डिसेबल हो गए, हर वक्त की कुड़कुड़, हर वक्त की परेशानी चेहरे पर तलखी ले आती है। रिलैक्स, कैसे, सेट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द शो, शो देखा करो, रिलैक्स हो जाओगे। इसके बाद आप लोगों के लिए जो बे औलाद लोग हैं, हमने कहा आप अपनी गायनी के डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आसानी है, प्लानेट एक्स बहुत पावर दे रहा, यानी मियाँ बीवी में जो बहुत ताल्लुक
फीका हो गया ना औलाद होने की वजह से, वहाँ पे दोबारा एक्टिव सितारे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग बैंक से कुछ पैसे वैसे लेना चाह रहे हो तो नहीं मिलेंगे, इस हफ्ते तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों के लिए कुछ बहुत मज़ेदार नहीं रहने वाली है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो अभी चल रहा है उन रिश्तों पे, उन कागजात पे गौर करना है कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे। लेकिन ओवरऑल आप लोगों की शोहरत के दरवाजे खुल रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स वाले बहुत अच्छी जगह पे सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और पहली दफ़ा है कि आप दूसरों को बीट करते हुए वहाँ पहुँच रहे हो। तभी तो लव है 61% और एंगर है 39%, रिलेशनशिप 81%, मनी 52%, हेल्थ है 82%, रूहानियत 22%, स्टडी एंड एजुकेशन 56%, लक आपका साथ दे रही है कितना जानते हो 51%। सजिटेरियस आप लोगों के लिए जो तस्बीहात हैं वो हैं या वदूदो या शाहीदो, या वदूदो या शाहीदो, खीर सदके में बना के दे सकते हो, मीट विद द बोन्स दे सकते हो, पुराने कपड़े, कैश ये भी दे सकते हो। कलर है येलो वाइट एंड रेड, ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएँ सजिटेरियस आपके साथ हैं, और अब बारी है द सरजमीन मोहब्बत पे कदम रखते हैं हम। तुम्हें मालूम है कि हम दिलों में मौजज़न जज्बों के जैसे हैं, ख्यालों के किसी गुलदान में महके हुए फूलों के जैसे हैं, और ऐसे अनगिनत कामों के जैसे हैं जिसे करना जरूरी भी नहीं होता, मगर वो दोष पर एक कर्ज होते हैं। नवाजे इश्क पड़ती हो तो फिर सुन लो, तुम्हारे वास्ते हम फर्ज होते हैं। तो जाना तुम पे लाजिम है कि इस ख्वाबों के बे आबाद सहरा में हमारे ख्वाब सबसे मावरा रखना, हमें सबसे जुदा रखना। मुकद्दस आंख में उसकी एक ऐसा प्यार देखा है, हसीं शाकार देखा था, कभी हमने भी अपने रूबरू एक चांद देखा था। हसी संदल से होंठों की वो खदो खाल ऐसे थे कि जैसे चांदनी में हर तरफ खुशबू बिखर जाए। वो होंठों पर तबस्सुम का हसी एक ताज रखती थी, कभी खिलता नहीं था वो, जो ऐसा राज रखती थी उदासी की घड़ी में। हम जो उसके साथ चलते थे तो उसके शीरी लहजे में हजारों फूल खिलते थे, वो शर्माती तो चेहरे पे नया एक रंग आ जाता। गजालों को भी उसकी चाल से एक ढंग आ जाता, वो जब चलती सभा उसको ठहर कर देखने लगती, शफक भी उसके होंठों को उतर के चूमने लगती। बदलियों से चांद निकला हो तो बालों को झटकती, जब तो यूं ऐसा ही लगता था। कभी हमने भी अपने रूबरू एक चांद देखा था। मुकद्दस आंखों में उसकी ये कैसा प्यार देखा था, हसीन शाकार देखा था। वो ऐसा चांद था जिसकी कभी 15 नहीं देखी, कभी हमने भी अपने रूबरू एक चांद देखा था। देख लिया ना चांद, तो अब आपको उस चांद की चांदनी में भीगते हुए दिन दिखाई देंगे। कैप्रिकॉन, सच्चे और सच्चे रिश्तों की पहचान इस हफ्ते हो जाएगी। यहां से एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के स्टार्स आपकी जिंदगी में आके तहलका मचा रहे हैं, जो आपको बहुत कूल एंड रिलैक्स बना देंगे। आप लोगों के सबसे पहले रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, वो हमारी बहनें, वो भाई जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं और वो अभी तक अपने आप को चौराहे में बैठा हुआ समझ रहे हैं कि लोग आते हैं रिश्ता देख के चला जाते हैं और कहते हैं हम बाद में बताएंगे, सखरा मैच नहीं उस टाइप का। उन लोगों के रिश्ते अच्छे खानदानों में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो लोग जो ऑलरेडी शादी कर चुके हैं उन लोगों की जो परसेंटेज ऑलरेडी 38% पे रह गई थी, खराबियां चल रही थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस एंड शुगर दिखाई नहीं दे रही थी, यहाँ से बूम करेगा और 69.8% ऑलमोस्ट 70% को टच करेगा, तो ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन पे चला जाता है। कैप्रिकॉन वालों, आप लोगों को ये पता है कि खुशकिस्मत हो, लेकिन लॉटरी में हिस्सा मत लेना, पैसा जाया करने के बराबर होगा। आप अकेले कुल माने जाते हो, इसलिए
आप लोगों को अगर कोई कोर्स करना है, कोई ऑनलाइन कुछ चीज़ें सीखनी हैं या किसी काम पे फोकस करना है, तो ये राइट टाइम है आप लोगों के लिए। वो स्टूडेंट जो पढ़ाई के लिए मुल्क में हैं, मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, या अपने ही इदारों में किसी अच्छी पोजीशन पे आना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये राइट टाइम है उनके लिए। मकान बेचना है, ख़रीदना है, इसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा और बहुत अच्छे दाम आपको मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में छोटे और बड़े सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये याद रखना कि बहुत सारे राज राज ही रहने चाहिए। राजों पर से पर्दा उठाने का मतलब आपके पाँव पे कुल्हाड़ा। इर्द गिर्द के लोग वैसे भी दबा के बैठे होते हैं। आप कैप्रिकॉर्न हो, आपको पता है अच्छी तरह कि इस वीक और इससे पहले वाले वीक में भी जादू टोना और बुरी नज़र ज़ाहिर मुसलसल अगर 3 हफ्तों से चल रही है तो कितना शदीद रिएक्शन होता है। सेहत की खराबी, हादसा या इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए जो दिखाओ वो करो मत, यानी इस हाथ से डरा और थप्पड़ इससे मार देना। समझ आ रही है कहानी? नामुकम्मल चीजों रिश्तों को मुकम्मल करने की कोशिश करो। कुछ कड़वी और तकलीफ देने वाली चीजें, चाहे वो जॉब है, चाहे आप लोगों की रिलेशन है, उनसे जान छूटती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों के ख्यालात की लोग कदर करें ना करें, लेकिन अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया में हो या किसी ऐसी फील्ड में हो जहाँ लोग कहें वाह क्या इंसान है, तो बस वो टाइम शुरू हो चुका है। आपके नेम एंड फेम की गेम को ऑन होते हुए इस हफ्ते से हम देख रहे हैं। यह हफ्ता बहुत लाजवाब है। बस मैंने जो कहा है कि आपकी सिक्स सेंस, छठी हिस्स जो है वो बेदार है, उसको बहुत तनाव देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा अपने आप को बिजी करने की ज़रूरत नहीं है। बेखाबी के शिकार जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए, भूख का जिनको भी प्रॉब्लम था उन लोगों के लिए, और जो भी कोई मर्ज मैदे से रिलेटेड है, आप लोग इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी ख्वाबों का सिलसिला भी बहुत अच्छा है। दलेर तो आप लोग होते हो, लेकिन इस दलेरी को थोड़ा सा बचा के रखना है, क्योंकि आप डिप्लोमेसी से काम नहीं लेते हो, जरूरतमंदी से काम लेते हो। इस हफ्ते हम आपको मशवरा देंगे डिप्लोमेसी से काम लेना। समझ रहे हो? तब्दीलियां वाकई हो रही हैं उन लोगों की जो नौकरी कर रहे हैं और कह रहे हैं किसी और इदारे में या अपग्रेड वर्जन आ जाए, उन लोगों के लिए अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। हो सकता है दोस्त या रिश्तेदार आजमाइश का सबब बन जाए इस हफ्ते। प्लीज कुछ लेन देन का मामला है तो क्लियर क्रिस्टल रखना है, चाहे आपको किसी के साथ भी कोई डील करनी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो पूरा वीक है इसको संभाल के चलोगे तो इससे ज़्यादा बढ़िया वीक अभी तक जो ये साल शुरू हुआ है आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तभी तो लव परसेंटेज आप लोगों की 68% है, लेकिन एंगर 24 है, शुक्र है पहली दफा। रिलेशनशिप 96, 93, देखा ये टॉफी तो मुझे दे दो मनी वाली, बहुत मजे की है। और हेल्थ है 78, थोड़ा सा फोकस करोगे अच्छा हो रहा है। 29% रूहानियत है, स्टडी एंड एजुकेशन चल रही है आपकी 64, और लक आपका साथ देगी 63%। ये बहुत जबरदस्त टाइमिंग होती है, और अगर आप लोग ये तस्बीहात पढ़ोगे या वकील हो या मतीन हो तो पूरा हफ्ता आपका 100% पे चला जाएगा। सबके में 14 रोटियां या इससे ज्यादा भी दे सकते हो, गोट हेड दे सकते हो, स्वीट्स दे सकते हो एंड कैश भी दे सकते हो। और कलर है पिंक, ग्रीन एंड डीप रेड, ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं कैप्रिकॉर्न के लिए। और अब बारी है एक्वेरियस वालों की, और उनके लिए ये हफ्ता क्या कहता है हम देखना चाहेंगे। सुनो तुम लौट आओ ना, जहां तुम हो वो दुनिया कब तुम्हारी है, कि सूरज ढल गया है और एक हंसी एक शाम उतरी है यहां, वो देखो चांद निकला है, सितारे जगमगाते हैं, हमारी मुंतजर आंखें दुआएं मांगती हैं, तुम्हें ही सोचती आंखें, तुम्हें ही ढूंढती आंखें, तुम्हें वापस बुलाती हैं। सुनो तुम लौट आओ ना, तुम्हारा अक्स फिर शायद मेरी पलकों में उतरा है, कोई आंसू अगर आया बहाकर अब ना ले जाए, ये दिल जब भी धड़कता है तुम्हारा नाम लेता है, आंसू जब भी बहते हैं तुम्हारे दुख में बहते हैं, कि बारिश जब भी होती है तुम्हें ही याद करती है, खुशी कोई जो आए भी तुम्हारे बिन अधूरी है। सुनो तुम लौट आओ ना, सुनो तुम लौट आओ ना। अगर आप सिर्फ मिनते तरले ही करते रहोगे तो वो लौट के आने वाले नहीं आएंगे। चेंज करना है ना आपको, रिक्वेस्ट नहीं सेंड करनी, एप्लीकेशन नहीं देनी है। डियर सर, डियर सर को छोड़ दो, अब आप हो डियर। इस हफ्ते में एक्वेरियस वाले डियर हैं,
सितारे आपके ऊपर बड़े मेहरबान हैं और जिंदगी बनने वाली है। यहां से शुरू हो रही है आपकी एक अलग कहानी। नए रिश्ते आ रहे हैं, सूट कर रहे हैं तो यस कर दो। आप लोगों को मुल्क से बाहर जाने की तैयारी करनी है, सूट करते हैं तो यस कर दो। अगर पेपर जमा नहीं करवाए हैं तो पेपर जमा करवा सकते हो। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या किसी भी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे नेम एंड फेम की जंग चल रही है, तो वहाँ 77% तक आप कामयाब दिखाई दे रहे हो। जो भी जादू टोना और मुख्तलिफ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, इस हफ्ते एब्सोल्युटली क्लीन है। कोई ग्राउंड में या अप बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें आप अपनी सेहत को, अपने लाइफस्टाइल को बहुत चेंज महसूस करोगे। उधार नहीं देना है किसी को, उधार ले सकते हो आप। अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हो ऑनलाइन या किसी जगह पे इदारे में तब्दील कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, बहुत बेस्ट होने वाला है। और आप लोगों के लिए यहाँ ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होगी, क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने जितना भी अब तक इस साल की शुरुआत से और पिछले साल के भी कुछ महीने तकलीफ़ में देखे हैं, यहाँ से अमेजिंग शुरू हो जाएंगे। यानी अब वो तकलीफ़ नहीं देखोगे। हाँ, कुछ हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं और उनकी तलखियाँ चल रही हैं, बरहम है एक दूसरे से, रिश्तों को ख़त्म करने वाले हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा हार्ड ज़रूर होगा, क्योंकि एक धचका हो सकता है कि आप लोगों की अलहदगी का हो। बट क्योंकि इनकमिंग जो स्टार्स हैं वो नई पर्सनैलिटी को धकेल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और बड़ा ही सॉलिड रहने वाला है, तो हम हमेशा ये कहेंगे कि आप जज्बाती तौर पे अपनी ज़िंदगी के फैसले मत करना। थोड़े ठंडे दिल से या फिर जहाँ से आपको कोई अच्छा एडवाइस करता है, मशवरा करता है, उन लोगों के साथ आप कर सकते हो। अगर आप बेऔलाद हो तो हफ्ता और इतवार का दिन कंसीव करने के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप ज़मीन जायदाद बेचने वाले हो तो बुध और जुमेरात का दिन आपके लिए बड़ा बेहतरीन है, जिसमें आप बेच सकते हो, बड़े अच्छे नंबर्स पे कामयाब हो सकते हैं। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, जो स्कॉलरशिप का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। और अदालतों में चलने वाले मुकदमों में आपके हक में फैसला नहीं होगा, डिले हो जाएगा। हाँ, ये है, थोड़ी सुस्ती दिखाई दे रही है, बॉडी में एनर्जी वीक, मतलब वीक फील करोगे, कम दिखाई दे रही है, और मुख्तलिफ टाइम में ये हल्का हल्का पेन रहने वाला है। ये जब मूव होते हैं सारे के सारे प्लैनेट जो आपकी ज़िंदगी को चमका रहे होते हैं, तो ये सारी कैफियत आपकी ज़िंदगी में आती है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी चीज़ें हैं उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अभी नया नया कारोबार में कदम रखा है, जिनकी नई नई शादियां हुई हैं। आप लोग किसी पॉलिटिक्स और डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बिल्कुल मत बनना। किसी भी महफिल में आना जाना हो तो एहतियात से जाना है। ये जो लकी कलर्स या वज़ाइफ होते हैं, ये पढ़ के जाओगे तो बहुत बेहतर होगा। हो सकता है कोई आपकी खामियाँ बता के आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, या हो सकता है कि जिनके साथ आपके रिलेशन रह चुके हैं पुराने, उन लोगों की तरफ से कोई तलखी या नाराज़गी आपको फेस करनी पड़े। फिक्र मत करना, ख्वाबों के ज़रिए अल्लाह ताला आपकी मदद जो कर रहा है उसको समझने की कोशिश करो, तो आपकी बुलंदी, आपकी शोहरत और हर चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है। फैमिली का सपोर्ट रहने वाला है आप लोगों को, ज़ाहिर है इस पूरे वीक में। अगर आपके अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं तो कंट्रोल करो, क्योंकि फ़िलहाल तो पैसा इतना ज़्यादा नहीं है एक वेरिस वालों, लेकिन आगे चल के आपको इन्हीं पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए लव परसेंटेज है 61, आप लोगों के लिए एंगर है 34, रिलेशनशिप 75, हेल्थ है 74, रूहानियत 24%, स्टडी एंड एजुकेशन 67, और लक साथ दे रही है 46%। ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों को 100% करने के लिए या माजिदो या समदो पढ़ना है, बाजरा सदके में दे सकते हो, फूड दे सकते हो तीन लोगों को, दाल माश और कैश भी दे सकते हो। येलो, ब्लैक एंड ग्रे, ये वो कलर है जो पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों। एंड वेलकम कहते हैं हम उनको जो कि हैं पाइसेस, और हमारे पास हैं कैप्रिकॉर्न। जरा सा एसी वैसे बंद भी कर सकते हैं लोग, कोई मसला नहीं। हाँ जी, और अशिफा शफरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर द सुपर चैट। ये हम सुपर चैट स्क्रीन पे दिखा भी देते हैं, 140 कैनेडियन डॉलर। सलाम सिमी जी, सिमी जी के चैनल पे मेरे ख्याल से इन्होंने सुपर चैट की है जो कि हमें नज़र आ गई है, और बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको कामयाबी अता करे, अपनी बेटी की खुशियां नसीब करे, आपकी फैमिली सलामत रहे, कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे, और बेहिसाब आपको अल्लाह ताला अपने खजाने से। बस ये सिमी जी को सलाम की है मेरे ईद के जोड़े के लिए नहीं, ईद के जोड़े के लिए अलग आई है
अलग आई हूँ, जो भी की है करो। वो ईद के जोड़े के लिए सुपर चैट वो अलग आई है, और वो आई है वो $70 की, उन्होंने अलग शिफरीन जो है वो गए सरकारी खाते में, लेकिन चलो सरकारी खाते में चले जाते हैं, कलेजे में हाथ डाल के भी ले लेती है, कसम दे दो ये रोजे रखनी, कसम दे दो। अभी पूछा उस दिन, अच्छा वो मेरे $100 थे वो किधर गए, मेरे पास पड़े थे, मैंने कहा ये ले लो क्या, नहीं वो $100 गए थे, नहीं 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 छोड़ दो, ये हुआ था कि ये जब अमेरिका गए थे तो इनके दोस्त ने $100 हम दोनों को लिए दिए थे कि कोई गिफ्ट ले लें, तो वो तो हमारे गिफ्ट के पैसे थे, बाकी चैनल के ये किसी और चीज के मैं तो कभी भी नहीं लेती, क्योंकि जब मैं ये कमाते हैं और मुझे देते हैं सब कुछ, तो मैंने भी जो चैनल के पैसे हैं वो इन्हीं के पैसे हैं, मैं उन औरतों में से उन बीवियों में से नहीं हूँ जो खुद कमाने लगे तो फिर वो जाके खुद ही पैसे निकलवाए, नहीं देती है वो भी हमें, मैं कितनी बुरी चाय बनाता हूँ माशाल्लाह रच के, मतलब मुझे मेरी चाय इतनी बुरी लगी, मुझे कोई अच्छी चाय बनाने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में, नहीं मतलब मैं अच्छी चाय नहीं बनाती, आप बना के नहीं देती हो, दुखेगा, नहीं नहीं बनाती हूँ, बना के नहीं देती, कितने मुझे मलबारी से चाय लेके, मतलब मैं जा रही हूँ बिल्कुल बात ही नहीं, क्या हाल चाल है आपके, और जब से रमजान शुरू हुआ है ना पता नहीं क्यों मेरे पूरी लाइफ को भी सर में दर्द नहीं हुआ था, और अभी यह है कि बस मेरे सर में दर्द रहने लग गया, और इसीलिए मेरा आने का मूड नहीं था, और ये बातें दे चलो ना किधर हो, ये दर्द सर में आप मेरी तरफ क्यों देख रही समझ जाए राजा, नहीं नहीं मैं क्या समझूं, मुझे बताओ जरा, हाँ, मेरे सर में दर्द रहने लगा, वो लोगों को नजर नहीं आ, लेकिन मेनू सारी गल्ला दा पता है, और मैं तो वो जो टी बैग वाली चाय वो इतनी अच्छी इनको बना के देती हूँ, जिस दिन मैं चाय बनाती हूँ वो अच्छी होती है, जब ये बनाते हैं यकीन करें दूध पत्ती चीनी सब जाया, यकीन करो मेरी चाय मैंने बेटे को बना के दी कल मैंने कहा मैं बहुत अच्छी सी चाय बनाऊं, वो पीता ही नहीं चाय, उसने कहा नहीं नहीं मुझे पीनी नहीं, मैंने कहा प्लीज बहुत अच्छी चाय, उसने कहा अच्छा चले जब चाय डाल के दी, शक्ल अच्छी थी चाय की, जैसे मतलब मेरी शक्ल अच्छी है, लेकिन केटली से डाल के ऐसे, और मैंने दे दी चाय, वो ले गया वीडियो गेम जब खेल रहा था, तो उसने एक हद सिप लिया और बाकी वैसे के वैसे ही रख दी, इज्जत से कहा भी नहीं कि कुछ बुरी, जब मैंने सिप लिया तो मैंने कहा उफ इतनी बुरी चाय मैंने कैसे बनाई, मतलब पता नहीं क्यों बुरी चाय बन रही, तो मैंने अपनी जाके उंडेल दी सारी, तो मैंने कहा चाय कैसी थी, कह रहा बहुत बुरी मैंने कहा डायरेक्टली यार थोड़ी सी बुरी, नहीं नहीं बहुत बुरी थी चाय, इसीलिए वहां की वो भी फिर मैंने लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाने की चीज हो पीने की चीज हो हमेशा उसके अप्रिशिएट करता है कि नहीं मेरी माँ जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता, वैसे तो राजा दर भी कहते हैं तुम्हारे जैसा खाना कोई नहीं बना, अभी आपको गिफ्ट भी तो उसी ने बड़ा जबरदस्त है गिफ्ट, हाँ कल जी यहाँ पर 21 मार्च दुबई में, दुबई में मदर्स डे होता है, और वो जब आया वापस जिम करके तो फिर वो एक बड़ा सा लेके आया बैग, और उसमें हार्ट शेप में था और पूरा वो गिफ्ट बॉक्स, और ये जी हैप्पी मदर्स डे, और वो दुबई वाले मदर्स डे पे भी देता है, और फिर जब पाकिस्तान का होगा तो फिर उसमें ये होता है कि साथ प्लस डिनर भी होता है, उसमें गिफ्ट भी होगा फूल भी होंगे और साथ में डिनर भी होता है, और जो दुबई में होगा तब भी वो मदर्स डे पे मुझे जरूर गिफ्ट देता है, तो ये अच्छे जेस्चर होते हैं, अपने बच्चों को ये चीजें ये बातें जरूर सिखानी चाहिए कि वो अपने माँ बाप की जो है मोहब्बतों का जवाब कैसे मोहब्बतों से दे सकते हैं, बाद जगह पे ये भी देखा है बच्चों को सिर्फ लेना लेना आता है और उन्हें ये नहीं पता होता कि जवाब में माँ बाप को देना क्या है, तो ये भी छोटी छोटी सी मीना थैंक यू वेरी मच, आपने 5000 सुपर चैट किया इंडिया से, इसके लिए बहुत शुक्रिया, परवरदिगार आपके लिए आसानियां पैदा करे और बहुत खुशियां दे, आपकी मुश्किलें आसान हो, हमारे दिल से निकलती है दुआएं जी, आमीन आमीन। अभी कोई कह रहा था स्कॉर्पियो का जी कुछ बता दें, देखा आपने पर्सनल पूछना तो उसके लिए तो आपको प्राइवेट मीटिंग करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता, आपका बस चार्ट बनता है जिसमें आपको पूरी डिटेल बताई जाती है, लेकिन दो अल्फाज में एक बात कह दूंगी कि बड़े अरसे से आप लोग वेट कर रहे हैं अच्छे वक्त का, अच्छा वक्त कब आएगा, कौन सा परफेक्ट टाइम होगा, तो बिल्कुल यही परफेक्ट टाइम है आपके रिलेशन के लिए, आपने जो भी प्लान किया हुआ है जिस अच्छे वक्त के लिए आप इंतजार कर रहे थे, तो वक्त आ गया और अपना काम शुरू कर दें, अब आपने करना है, और इसी तरह अगर मैं आगे बात करूं सजिटेरियस की, तो आपका भी जी अभी देखें आप सबको पता है कि एरीज में हम एंटर हो रहे हैं, एरीज का जमाना आ रहा है, और इस एरीज खुद स्ट्रॉन्ग वाला स्टार होता है, सब कुछ कर गुजरने वाला स्टार होता है, दूसरों को होप देने वाला, दूसरों को स्ट्रेंथ देने वाला, दूसरों को हिम्मत देने वाला स्टार है, मुझे वहां पर हमारे किसी ने कमेंट में लिखा हुआ था कि जी एरीज को तो मर ही जाना चाहिए इतनी बुरी लाइफ है, देखिए पहली बात तो ये इस तरह के जुमले मत लिखा करें, अल्लाह ताला नाराज होते हैं जब आप इस तरह की बातें लिखते हैं,
कि यार मैंने दुनिया की कौन सी चीज़ है इस बंदे को नहीं दी, फिर भी ये नाशुक्र है। दूसरी बात ये कि एरीज तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एरीज तो जो ड्रीम्स देखते हैं ना, जो गोल बनाते हैं, उनको अचीव भी करते हैं। इतने स्ट्रांग पर्सनैलिटी के होते हैं, दूसरों को हिम्मत देते हैं, अपनी महफिलें से जाते हैं, दोस्तों के दोस्त होते हैं, हमेशा अच्छे मशवरा अगर किसी से लेना है एरीज से जाके लो। आपको जीतना कैसे है एरीज से जाके सीखो, आपको विन कैसे करना है आप एरीज से जाके सीखो, स्ट्रॉन्ग कैसे होना है एरीज से जाके सीखो, ये सारी चीज होती है। अब जब हम एरीज में एंटर हो रहे हैं तो आप देखिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो 12 के 12 सितारे हैं बहुत सारी चीजों में आप स्ट्रॉन्ग होंगे। और मैं आके हमेशा रिलेशन के हवाले से आपको कुछ ना कुछ बताती हूँ। तो सजिटेरियस आप भी क्योंकि एंटर हो रहे हैं एरीज में और पांचवें घर में, तो आपका जो रोमांस का वाला खाना है वो ओपन होगा, आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपका लव लाइफ अच्छी होगी, तो आप उसमें एंटर होंगे। और अगर हम बात करते हैं जी एक्वेरियस की, तो एक्वेरियस आप भी अब जो है आपका टाइम आ गया है कि जो आप सोचते हैं जो चाहते हैं वो आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हासिल करेंगे। थोड़ी सी अपनी मेहनत भी बड़ी जरूरी होती है, सिर्फ इस पे मत रहा करें कि हर हफ्ते राजा हैदर क्या बताएंगे और राजा हैदर आएगा और वो जी हमारी लाइफ बदल देगा, जी जी जी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला होता। अगर वो आपको 5% बताते हैं ना, तो 95% आपने अपना भी तो हिस्सा डालना है, अपना हिस्सा। खाली उठ के उनके स्टार सुन लिए और अगले हफ्ते आके कह दिया जी वो तो कुछ हुआ ही नहीं जो आपने बताया था। अब घर आके तो कुछ भी नहीं होता ना। एक चिड़िया को भी अल्लाह ताला उसके घोंसले के अंदर नहीं खाना देता, चिड़िया ने खुद उड़ के जाना होता है और मीलों से खाना ला के घोंसले में अपने बच्चे को ला के देना होता है। तो कभी कभी थोड़ा सा उस तरह भी सोचा। थैंक यू सो मच। और पाइसेस आपके लिए भी यही कहेंगे जी रिलेशन के हवाले से कि आपके लिए भी बहुत सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि जितना बड़ा सोचोगे उतना ही रिटर्न में वापस आएगा। अब आपके सोचने पर डिपेंड करता है कि आप सोच कितना रहे हैं। तो अपने ड्रीम्स बड़े करेंगे तो अचीव भी आप ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो बाकी बताएंगे जी राजा हैदर आपको। अच्छा माला का एक सवाल है, उसके जवाब आप ही दे दो। कहती है सर जी मिलियन डॉलर क्वेश्चन, आज आपका एप्पल प्रो किधर है, एप्पल विजन प्रो? बस हमने सोचा कभी कभी उस पे करेंगे क्योंकि वो इतना महंगा हमारा नहीं, एक दूसरा लोग मुझे कह रहे हैं जी आधा चेहरा आपका दिखाई नहीं देता, हमें आपके एक्सप्रेशन देख के पूरा वीक देखना होता है। हालांकि मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन अभी कुछ हफ्ते आप उसके बगैर देख लो। वो भी होता है, दूसरा वो हमारा एक्सपेंसिव एक गैजेट है तो हम ऐसे हर शो में वो नहीं दिखा सकते। हम रखेंगे अपनी प्राइवेट जो हमारी मीटिंग्स होंगी ना, जब लोग पैसे खर्च के आएंगे और हमसे पूछेंगे तो हम अपना वो जो गैजेट है वो वहां पर यूज करेंगे। तो हम अपने थोड़ी सी जिंदगी को प्लान कर रहे हैं और थोड़ा सा अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं, लाइफस्टाइल को चेंज। बिल्कुल सही बात है। और आप लोग भी प्लीज प्लीज अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। मुझे बहुत सारी माएं आके कहती हैं जी हमारे बच्चे बहुत बदतमीज हैं, नाफरमान है, जवाब देते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। तो आप आके मुझे तो बताते हैं, बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रात को 2 मिनट का भी वो काम नहीं होता, या बासितो या मुनीम, जैसे आप नेम लिखते हैं, या बासितो या मुनीम, आपने 7 बार पढ़ना है, दोनों को एक ही दफा में पढ़ना है। या बासितो या मुनीम, या बासितो या मुनीम, 7 बार पढ़े, बच्चों के ऊपर फूंक मार दें, बट आपने डेली करना है ना। ये नहीं है हाय मैं आज भूल गई, हाय मैं तो सो गई थी, अच्छा कल से करूंगी, ये वाला काम नहीं करना। आपने रेगुलर रहना है, फिर आप कुछ अरसे बाद देखेंगे आपके घर से यस और ओके की आवाज आएगी, बच्चे आपके फर्मा बरदार होंगे, आपकी बात को सुनेंगे मानेंगे। तो करके भी तो देखें। इसी तरह सुबह उठ के सूरह रहमान की तिलावत घरों में लगाना शुरू कर दें, आप देखें आपके घरों से बीमारियां जाएंगी, आपके घरों में जो लड़ाइयां झगड़े फसाद होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, घर में एक सुकून की कैफियत होगी और आपका रिस्क आएगा, आपके बहुत सारे जिंदगी के मसाइल हल होंगे। जरूर किया करें। रात को सोने से पहले एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की, एक अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ के सोया करें, आप देखें आपकी लाइफ में कितनी आसानियां आएंगी। रिस्क में तंगी है तो आपको बताया हुआ है कि आपने जो है सूरह वाकिया की तिलावत करनी है मगरिब में, आप वो किया करें, आप देखें लाइफ में आसानी होगी। दुश्मनों से परेशान है तो आपको दो वो आपको वजीफे बताए हुए वो कर सकते हैं। आपको सूरह मायदा का वजीफा बताया औलाद के लिए, आपको शादी के लिए सूरह इख्लास का वजीफा बताया है, हर हाजत के लिए आपको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का एक हफ्ते का वजीफा बताया है। प्लीज पुराने शोज जाके सुना करें और फिर डेली अपनी रूटीन में इन चीजों को शामिल भी करें। अगर बहुत ज्यादा जैसे वो कह रही थी मरने को दिल है तो एरीज गरक हो गया, खत्म हो गया, लाहौल वाला कुवत इल्ला बिल्ला पढ़ें, पानी पे दम कर लें, असर की नमाज में एक तस्बीह पढ़नी है और वो पानी आप सारा दिन भी थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, अगले असर तक
या फिर आप उसी वक्त भी पूरा एक गिलास पी सकती हैं। आप देखें वो अंदर एक जो वहम होता है, शक होता है, जो चीजें आपको इबादत नहीं करने देती, मायूसी अंदर आ जाती है, हिम्मत खत्म हो जाती है, वो सारी चीजें आपके अंदर दोबारा से आ जाएंगी और अंदर से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप वो क्या कहते हैं कि दिमाग और दिल जो है वो आपका साफ सुथरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें थी जिंदगी के एक्सपीरियंस थे जो आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपकी जिंदगी में आसानी होती है इनकी वजह से तो प्लीज आगे लोगों में जरूर जरूर शेयर किया करें। ठीक हो गया, बाकी मैं चलती हूँ जी, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। और काफी सारे लोग ये होते हैं कि जी हमारे स्टार के बारे में बता दें, तो वो मैम से आप रब्ता कर सकते हो, जितनी भी हमने आईडीज दी हुई हैं इन बॉक्स में, और हम आईडी इनकी चलाते भी हैं और प्रोग्राम में अभी स्टार के बाद दोबारा से हम चला देंगे। पाइसिस की बारी आ गई है और पाइसिस वाले क्या कह रहे हैं, उनकी जिंदगी कहाँ है, कैसी है, ये देखते हैं अभी। सुनो, तुम ख्वाब जैसे हो, मैं जब करवट बदलता हूं या फिर पलकें चिपकता हूं तो मेरे हाथ से उंगली छुड़ाकर तुम कहीं पर छुप से जाते हो। मैं आंखें बंद करके फिर तुम्हें आवाज देता हूं मगर फिर तुम कभी वापस नहीं आते। न जाने किस नगर रहते हो तुम, किस नींद में बहते हो तुम, कुछ भी नहीं खिलता, फकत टूटी हुई नींदें हमारे हाथ आती हैं। सुनो, तुम वक्त जैसे हो, हमेशा ही किसी जल्दी में रहते हो। तुम्हें जितना बचाता हूं, मैं जितना सींच के मुट्ठी में रखता हूं, तुम उतना खर्च होते हो। सुनो, तुम बात जैसे हो, अधूरी बात जैसे, जो मेरे होंठों पे कब से मुंतजर है ऐसे लम्हे की, जहां मैं कुछ ना कहकर भी तुम्हें हर बात कह दूं और तुम सब कुछ समझ जाओ। सुनो, तुम शाम जैसे हो, जो दिन के सर्द होने पर हमेशा घर की निचली सीढ़ियों पर मेरा इस्तकबाल करती है, मेरी तन्हाई के कैनवस में रंग भरती है। सुनो, तुम फूल जैसे हो, मैं सदियों से तुम्हारे ख्वाब की खुशबू में महका हूं, तुम्हारे खैफ के मौसम में रहता हूं, तुम्हारे लफ्ज के धारे में बहता हूं। सुनो, तुम इश्क जैसे हो, बहुत सच्चे, बहुत उजले, हमेशा इतने गहरे के तुम्हारी खोज में निकले तो अपनी सिमत के रास्ते भी खो जाएं। तुम्हें कैसे कोई समझे, तुम्हें कैसे कोई पाले। सुनो, तुम धूप जैसे हो, तुम्हारे जिस्म की किरणें टपकती हैं, मैं जब पलकों से ये किरणें उठाता हूं तो मेरी आंख की दुनिया चमकती है, तुम्हारे साथ साया बन के चलता हूं, हवा की बांसुरी पे तितलियों का लम्स पहने वसल का मंजर में ढलता हूं। सुनो, तुम मेरे जैसे हो, मेरे जैसे, और मेरे जैसे हो इसीलिए ढल गए हो। ये है आवाज उन लोगों की जो पाइसेस वाले, पाइसेस वाले जिंदगी होत वालों की जिंदगी एक इन्वेस्टमेंट आइडिया की तरह हो गई है। एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का आइडिया दूं आपको, मतलब सिर्फ आइडियाज हैं। आप लोगों की जिंदगी प्रैक्टिकल नहीं हो रही थी, ये हफ्ता यहां से बूम कर रहा है। पूरा दारोमदार आपके रिलेशनशिप और फाइनेंस का और आपके सफर का, यानी वीजा, इमिग्रेशन, रिलेशन एंड फाइनेंस, इसी हफ्ते में ये सारे फैसले होने। So, आपकी जिंदगी का इस साल का बेहतरीन वीक्स में इसको हम गिनते हैं। वो हमारी बहनें, वो भाई जिनकी शादियां नहीं हो रही, उन लोगों के लिए रिश्ते आने का चांस है, और अचानक ही कहीं से कोई रिश्ता उड़ दी गा आई, मैं समझी मेरी माँ आई, उस टाइप का रिश्ता है। तो आप लोगों को लगा रहे यार ये कैसा नमूना या नमूनी है, बट आपको ये फैसला करना है तब जब आप मैच करवा लो। उसके बाद कुछ गैर संजीदा लोग भी आपकी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रखना कि ये जो पूरा वीक है इसमें दो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। एक है मैजिक, वुडो, सिफली, इल्म, पढ़ाई और बुरी नज़र, ये वन में आता है, और दूसरा है कोई स्कैंडल। स्कैंडल आउटसाइड, कोई भी अननोन बंदा या बंदी जिसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो है ना कि महबूब है, मियाँ बीवी का ताल्लुक है, आप लोगों के बीच में कोई बात हुई है तो उसको स्कैंडल कहते हो। एक होता है अननोन, चलते चलती ट्रेन में हाथ दे दें फम, तो हाथ ही गायब होना। उस चीज से आपको जितने भी ब्लैक होल के स्टार्स हैं, प्लैनेट एक्स है, वो अलर्ट मोड पे रख रहा है।
तो आपको थोड़ा चुकन्ना होना, हर किसी को मौका नहीं देना, तो अब आपके लिए बहुत आसान चीज़ हो जाएगी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात थोड़े ठीक होते हुए नजर आ रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप शायद समझौते वाली पोजीशन पे हो, लेकिन सामने वाले से आपको नीचे गिराने वाली पोजीशन पे हैं। डिप्लोमेसी इख्तियार करो, थोड़ा बहुत खामोशी इख्तियार करो, तो ये सारे फैसले आपको करने नहीं पड़ेंगे, रब की तरफ से होते हुए दिखाई देंगे। ख्वाबों के ज़रिए परवरदिगार काफ़ी सारी मालूमात देगा जो आने वाले दिनों के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जो काफ़ी अरसे से, यानी अगर उसका ताल्लुक 7-8-9 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो लव रिलेशन, तो वो बूस्ट करेगा। ये वो टाइम है जिसमें निकाह, शादी, मंगनी, रुखसती, ये वो हो जाए तो बड़ा मुबारक होता है। और जाहिर है जब आपका गुफ्तगुशुनीद का सिलसिला होता है, बातचीत करते हो, इजहार करते हो, तो ये बहुत पीक पे चला जाता है। वही जो हमने शुरू में कहा कि सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या खामोशी की जो गुफ्तगु है, जो हम दो अंगूठों से कर रहे होते हैं, ये काफ़ी नहीं होती उन रिश्तों को पावरफुल बनाने के लिए। हाँ, मजबूरी, ज़रूरत, ये सारी चीज़ों को एक अलग जगह पर कर दो, लेकिन फिर भी आपका जो एक बुकल है, आपकी शक्ल है, इसके लिए आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि रिश्ते इसीलिए तो आप कम बोलते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है कि हम सिर्फ लिखते हैं, हम बोलते नहीं हैं। शाय टाइप की तबीयत, तो खैर पाइसेस वाले तो बड़े लकी होते हैं। देखो, अगर आप आर्ट लवर हो या आर्ट से रिलेटेड आर्टिस्ट हो, किसी भी फील्ड में हो, पॉलिटिशियन हो, या कहीं नेम एंड फेम की गेम में काम कर रहे हो, आपकी उंगलियों में, आपकी ज़बान में, आपकी आंखों में, आपकी पर्सनालिटी या बॉडी में जादू है, तो समझ लो ये वाहिद वीक है जो आप जितना भी ऊंचा उड़ सकते हो उड़ाने के लिए आपको आ रहा है। अब आपकी एक एक चीज़ अपनी जगह पर संभल रही है, लेकिन इसको आपने कंट्रोल रखना है, बोलना नहीं है, बुकल होना ज़रूरी है, लेकिन हर किसी को नहीं बताना है कि ओहो ये मेरे प्लान्स हैं। प्लान्स गुप्त रखोगे तभी पाइसेस वाले सक्सेसफुल रेट देख सकते हैं। वो हमारी बहनें जिनकी बेबीज अभी नहीं हैं, उन लोगों के लिए बुध, जुमेरात और इतवार का दिन कंसीव करने के लिए बड़ा पावरफुल है। वो लोग जिनकी तलाक वगैरह बिल्कुल एंड पे पहुंच चुकी है, वो टल जाएगी। बैंक से लोन लेना है या बैंक के कोई कागजात का काम करवाना है, आप लोगों को ऑनलाइन कुछ सबमिट करना है या फिर कोई कोर्स करना है, तो ये सारा हफ्ता आपका इसी तरह बिजी रहने वाला है। अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, आप लोगों को अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। स्किन डिजीज़ ख़त्म हो रही है, हेयर फॉल के मसले ख़त्म हो रहे हैं, हार्मोन डिसेबल जो थे वो आप सोचो कि 77.2% तक इम्प्रूव हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अब आप लोग जिस चीज़ से उम्मीद लगाए बैठे थे, वो जो जॉब कर रहे हैं हमारे बहन भाई, उन लोगों की जॉब वाला सिलसिला बहुत अच्छा है, यानी बोनस मिलता हुआ ऊंचे ओहदे पे जाते हुए और किसी सेटल जगह पे आप हमें आप नज़र आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ से तंग हो और आप किसी और जगह पे जॉब दो, इंटरव्यू पहले दे दो, जॉब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। यानी अगर आप 3 जगहों पर इंटरव्यू दोगे तो 2 जगहों से जवाब आवे ही आवे, ये नहीं है कि पहले आपने 20 जगहों पर इंटरव्यू दिया जवाब एक जगह भी नहीं आया। थोड़ा रोमांटिक मोड में नज़र आ रहे हैं, बहुत रोमांस स्टार्स जो हैं आप में लव बूस्टिंग भर रहा है, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें भी अच्छी हैं। जब जाहिर है मूड अच्छा होता है, जो मूड स्विंग वाले पिछले हफ्ते थे वो कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं थे, गुस्सा, एंगर, ये सारी चीज़ें, लेकिन इस हफ्ते आप लोगों के लिए मूड बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमारे प्यारे जितने भी पाइसिस वाले हैं, आप लोगों के लिए लव परसेंटेज देख लो कितना रहने वाला है, 71 इसीलिए ज़्यादा है, 29 है, एंगर थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन कम करो, रिलेशनशिप 71 बट सॉलिड है, मनी है 65 आप लोगों के लिए, हेल्थ चल रही है 79% जो बहुत इंप्रूव हुई है, रूहानियत 21% है, गुड है, स्टडी एंड एजुकेशन 62% और आप लोगों का लक साथ दी गई है 52% तक। तस्बीहात जो पढ़नी है आप लोगों को वो है या बातिनो या नूरो, ये दोनों तस्बीह आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ब्राउन शुगर आप दे सकते हो, आप लोग मीठी मतलब हनी भी दे सकते हो, साथ मौसमी फल कोई भी एक फल लेके साथ दे सकते हो, मिल्क खुला या पैकेट वाला आप किसी भी गरीब को दे सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आप लोगों के लिए कैश देना भी बड़ा मुबारक रहने वाला है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत बेस्ट हैं। जो कलर आप पहनने वाले हो वो है वाइट, डीप पिंक एंड स्काई ब्लू। तो ये था हमारे पाइसेस वालों के लिए सारे का सारा हालात। मैंने कहा आप चाय तो नहीं पीएंगे ना, आप फिर से आके वही जख्मों पे हरी पत्ती डाल रही हैं, ये कह रही हैं। मैंने सोचा मैं अपने लिए चाय बना लूं, आप तो ऑर्डर करेंगे बाहर से मंगवाएंगे। नहीं नहीं, आप नहीं, नहीं, मैंने नहीं, तो मैं तो चाय तो भी चाय नहीं बना के दूंगी, बिल्कुल ये कोई काम कभी भी नहीं। सुन लिया, इतनी अच्छी चाय रोज पिला पिला के फिर भी आप कहते हैं बाहर की चाय पिलाई आपने, झूठ। नहीं, मैं तो अभी अपने लिए एक कप बनाऊंगी, तो ठीक है, मेरे भी हाथ नहीं टूटे, मैं भी चाय बना के आपको कप बदल दूंगा, पिए मैं पी लूंगा, ओके
शो के अलावा इतनी तारीफ और शो में कहते हैं बॉयल से चाय। तो भाई अच्छा आप दुनिया की बेहतरीन इंसान हो जी, चाय बहुत अच्छी बनाती है, ये खाने फिर भी मैं जैसा कोई खाना नहीं बनाता, इन जैसा कुपियों को बनाता, बहुत अच्छी ये बातें करती है, फिर भी आपको चाय नहीं मिलने वाली, ना आपको चाय मिलेगी ना इन लोगों को अब लाइव शो मिलेंगे। यानी आपने ऑर्डर कर दिया तो कह दिया, वो कह दिया यानी लाइव शो ही नहीं होगा, नहीं अब नहीं होगा, तो ज्यादती है बस, अब मिलेंगे जी कभी कभी जब दिल करेगा, और आपको रिकॉर्डेड शो मिलेंगे ना, तो यहाँ कमेंट आप लाइव करेंगे ना आएंगे ना हम आएंगे, छोटा सा मुख्तसर शो का अभी भी कोई आके कह रही थी पाइसेस एंड में आता है और आप इतनी बातें करते हैं, है? तो भाई आप अच्छा अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, माशाल्लाह से आप पढ़ी लिखी है, रिकॉर्डेड शो वो अभी हमारी टीम में से किसी ने लिखा था कि ये शो यही होता है, आप कल आराम से सारा शो स्किप करें और सिर्फ जाके पाइसेस सुन लें, सिंपल, ये जाहिलों वाली बात ना किया करो, बात क्यों कर दी, लियो से पहले क्यों आ गए, आपने कोई पेड चैनल थोड़ी दिया हुआ है, या आप सुपर चैट कर रहे हो या प्राइवेट आपने यहाँ पे हायर किया हुआ है, मतलब नहीं देखना तो जाओ तुझे काम करो, खसम नो खाओ, जो खसम किसी रखे छोड़ देते हैं ना कि आप आराम से अपना सुनो, लेकिन बुरा नहीं बोलते, सिमी जी टी दे दें प्लीज, फर अफजल ने कहा, फराफजल नहीं, ये आपके घर आएंगे ना आप इनको टी बना के पिलाएं, फिर प्लीज मेरे लिए दो कप अलग से कड़क चाय, कोई बात नहीं, कल भी परसों हम जब कोई चीज वो लेने गए थे स्विच वगैरह चीजें 6 बजे में आई थी और उसके बावजूद मगरिब से पहले मैंने पूरी टेबल सजाई हर खाने की, और आज भी जब हम गए हैं आपने कुछ चीजें अपनी लेनी थी और हम वापस आए हैं और तकरीबन 6:45 बजे और फिर भी रोजे से पहले आपको बहुत कुछ अफ्तारी तैयार करके खाना डिनर सब पेश किया, ऐसा है तो राजा दर अब तो चाय नहीं मिलेगी, अपने लिए कप बनाऊंगी आपके सामने बैठ के और स्टाइल के साथ पीऊंगी, और थैंक यू सो मच जी सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह करे कि आने वाले दिन आप सबके लिए खुशियां लेकर आए, सलामतियां लेकर आए, और कल का सूरज आप सबके लिए खुशी सलामती प्यार मोहब्बत सुकून इत्तेफाक इत्मीनान सेहत तंदुरुस्ती और जिंदगी लेकर आए, और दूसरों के लिए आसानियां करें ताकि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां करे, बस एक अच्छा बोल आपकी लाइफ को बदल सकता है और उसी से ग्लो भी आता है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, तो शो के बाद एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, वो हमारी एनर्जी होता है, आपकी मोहब्बतें जो है वो हमें आगे बढ़ने में हिम्मत देती हैं, आपकी मोहब्बतों के सारे यहाँ तक आए और आगे भी जाना चाहते हैं अगर आप साथ होंगे, आई होप कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्यारे प्यारे कमेंट करना, शो को लाइक और शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब करें द गेम चेंजर सीमी हैदर को, और सीमी क्या नहीं इंस्टाग्राम, जिन लोगों ने अर्जेंट मीटिंग करनी होती है, आप अपने सिग्नेचर के हवाले से मीटिंग करना चाहते हैं, हैंड राइटिंग के हवाले से, या फिर अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अगर आपको इमरजेंसी में करना है और आपको ईमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप सीमी क्यानी में जाके इनबॉक्स डीएम कर दें मुझे, मैं आपको पीए का नंबर वहां पर भेज दूंगी, ठीक हो गया, और टिकटॉक सीमी हैदर राजा और टिकटॉक रियल राजा हैदर वहाँ भी जाया करें, उसको भी फॉलो करें ताकि हम वहाँ पर भी आपके लिए जो वीकली हॉरोस्कोप होते हैं मंथली वो वहाँ पर अपलोड करेंगे, और वज़ाइफ वगैरह भी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर अपलोड करें, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, तो जी मुझे मेरे बेटे को हैदर को दुआ में याद रखिएगा, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी, ख्याल रखिएगा, सांसें वफा कर गई तो बहुत जल्दी आपके दिलों में दस्तक देने के लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए पामाने खुदा।